मंजरी श्रील प्रभुपाद है, इसलिए राधा रानी की निज जय नहीं, इसलिए श्री भक्ति रखा श्रीधर गोस्वामी कहते हैं, है श्रीधर गोस्वामी प्रभुपाद का जो लास्ट वृषभानु सुता देवी की अत्यंत प्रिय ये दासी है, इसलिए उनको जगत में क्यों भेजा, इसलिए भेजा जगत का दुख देख करके, जगत का माँ राधा रानी एक तरह से माँ है, इसलिए उन्होंने इसी जगत में श्रील प्रभुपाद को भेजे, हैं जाओ इसी जगत में अकेले नहीं अपना परिकरों को लेकर के जाओ, जैसे कृष्ण जब आते हैं राम जब आते हैं महाप्रचार अंतरंग में उनकी अंतरंग जन्म में श्रील भक्ति वेदांत इन्होंने 11 साल उम्र में ही इन्होंने मंदिर में आए, केवल 11 साल उम्र में इन्होंने मंदिर में आए और आकर के उन्होंने इतने भक्ति उन्होंने की, इतने ठाकुर जी की प्रभु ने सेवा की, इतने सेवा की गुरुजनों की, इसलिए इनके जो मंदिर में आए इनको गुरुदेव ने नाम दिया सज्जन सेवक, है सज्जन सेवक मतलब जितने सेवकों में सबसे सज्जन अत्यंत अच्छे सेवक है, सारे वैष्णव का सेवा करना, पत्तल देना, उनको प्रसाद खिलाना, जगह परिष्कार करना, वैष्णव की प्रभुपाद का सेवा करना, बड़ी तन मन से उन्होंने गुरु जी की बड़ी उन्होंने सेवा की, हैं बड़ी गुरु जी की उन्होंने सेवा की, कभी कभी जो मटर सूटी होता है ना छिलका उतार करके उन्होंने प्रभुपाद को खिलाया करते थे, प्रभुपाद की अपना गुरु जी की मंदिर की घर को वो साफ करते थे, एक समय बचपन में आए इसलिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में उनको डाल दिया, पहले ये संस्कृत भी पढ़े और उन्होंने स्कूल में भी पढ़ाई की, अभी जो 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 सेंटर में गवर्नमेंट में जो क्लास 10 का जो परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा में, लेकिन इन्होंने सारा दिन केवल वैष्णव सेवा करते थे, गुरु जी वैष्णव का सेवा करते थे, केवल जब स्कूल में जाते थे केवल उसी समय में पढ़ते थे, दूसरे समय कोई पढ़ाई नहीं करते थे, दूसरे समय में गुरु वैष्णव की सेवा करते थे, अभी बोर्ड परीक्षा में ये क्लास में फर्स्ट आया, वो जो लेटर आया श्रील प्रभुपाद के पास में पूरा वो जिला में फर्स्ट ही आए, जब फर्स्ट आए अभी गुरुदेव ने इनको बुलाया, प्रभुपाद ने बोला सज्जन सेवक तुमने जो बोर्ड परीक्षा ना तुमने फेल हो गया, क्या हो गया बोर्ड परीक्षा फेल हो गया, देखो उनका कितना हृदय में कितना साहस है, कितने विश्वास, बोले गुरुदेव मेरे को ये पूर्ण विश्वास है जो गुरु वैष्णव की सेवा करते हैं साधु संत की सेवा करते हैं वो कभी फेल नहीं हो सकते हैं, वो कभी फेल नहीं हो सकते हैं, इसलिए प्रभुपाद इतने खुश हो गए, बोले बोर्ड परीक्षा में तुम एकदम फर्स्ट तुम्हें आए हो, इन्होंने इतने सेवा की मंदिर में, इतने उन्होंने सेवा की मंदिर में सोच नहीं सकते, प्रेस में प्रिंटिंग प्रेस में इनको कहा जाता था डिक्शनरी, एक बार वो कह रहे थे महाराज जी मेरे को इतने श्लोक याद है 7 दिन तक अगर मैं श्लोक बोलू ना श्लोक खत्म नहीं होगा, 7 दिन तक पूरा की पूरा गीता भागवत पुराण, इसलिए इनको गौड़ीय वैष्णव का डिक्शनरी इनको बोलते थे, इसलिए जो उस समय बहुत छोटे छोटे बच्चे थे प्रभुपाद बोलते थे देखो जो एक श्लोक और छोटे बच्चे थे वो टफी की करते थे श्लोक याद कर, ये क्या करते थे बोले 10-10 20-20 इतनी इनकी बुद्धि प्रकट था, 10-10 20-20 श्लोक याद करते थे क्योंकि 20 टफी मिलेगा, ऐसे ही संपूर्ण उन्होंने भगवत गीता को भागवत को उन्होंने ऐसे ही उन्होंने पूरा पूरा उन्होंने मुखस्त कर दिया, अभी जो प्रेस में एक बार वो सेवा करते थे प्रेस में करते करते पहले जो प्रेस था आपको पता होगा उनको किसी तरह से जो अंगुल है ना प्रेस के अंदर में चला गया तो खून की धार बहने लग गई, हैं इतने में जो भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जब सुना हाथ कह रही है
आखिर उन्होंने उनको पकड़ करके रोने लग गए, उनका गुरुदेव पकड़ करके रोना शुरू कर दिया, क्योंकि वो ऐसे सेवक थे, उनके लिए कहते थे, उनका गुरुदेव कहते थे, मठ में और भी बहुत सारे ब्रह्मचारी लोग थे, सन्यासी लोग थे, इनकी सेवा चेष्टा देकर कहते थे, तराजू का एक तरफ में मंदिर में जितने सब सेवक है उनका सेवा तो एक तराजू का एक तरफ कर दो, सज्जन सेवक का अगर सेवा को तराजू का एक तरफ में किया जाए तो देखोगे इनकी जो सेवा चेष्टा सारे सेवकों से इनकी सेवा पाल भरा पड़ेगा, सेवा का पला भारी पड़ेगा, ऐसे वो सेवक थे। इसलिए बोले एक समय क्या हुआ, सब भक्त लोग बैठे हुए थे, देखो इतनी बुरी निष्ठा कितनी, उनको गुरुजी ने एक उनको सबको एक प्रश्न किया, प्रश्न था भगवत भक्ति प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय क्या है, भगवान को संतुष्ट करने का सबसे सरल उपाय बताओ। अभी उन्होंने एक एक को खड़े किया, भाई तुम बोलो तुम बोलो, सबको भक्ति का डेफिनेशन बताए, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकुलेन कृष्णानुशीलन भक्ति रुतमा, रूप गोस्वामी भक्ति उत्तम भक्ति की डेफिनेशन दिया, सारे कामना वासना छोड़ करके कृष्ण कैसे गुरु वैष्णव कृष्ण कैसे प्रश्न होंगे, उनके अनुकूल में जो सेवा करते वो सर्वश्रेष्ठ है, सा परानुरक्ति ईश्वरे अनन्य ममता भक्ति, बहुत डेफिनेशन है, सब भक्तों लोगों ने बताया। इनके जो हम खड़े किया, देखो क्या कहते हैं, बोले गुरुदेव हम तो भक्ति भक्ति हमें कुछ आता ही नहीं, हम तो भक्ति भक्ति बारे कुछ जानता नहीं, मैं इतना ही जानता हूं अगर हमारी सेवा चेष्टा से मेरे गुरुदेव अगर प्रसन्न है, मेरे गुरुदेव इसको ठाकुर को तो हम तो देख ही नहीं रहे, अगर हमारी गुरुदेव अगर हमारी सेवा चेष्टा से प्रसन्न करना हो गया, अगर सामने जो गुरुदेव अगर संतुष्ट नहीं है, भैया मैं तो जब उन्होंने ये बात को बताया ना, गुरुदेव बोले तुमने सही बताया, तुमने सही बताया, जब तक अपना गुरुदेव हमारी सेवा चेष्टा से संतुष्ट नहीं हो ठाकुर को थोड़ी देगा, ठाकुर तो तभी संतुष्ट होंगे जब गुरुदेव प्रसन्न हो। ऐसे इनके अंदर में गुरु की सेवा की इनकी ऐसी भावना, देखो इनकी एक आश्चर्य घटना में सुनाता हूँ, उन्होंने तो कितने भूतों को उधार किया, कितने भूतों को उधार किया, बहुत भूतों को उन्होंने मुक्ति की है। वृंदावन में एक भूत किसी व्यक्ति को पकड़ लिया, कोई एक ब्रह्मचारी बाहर कहीं रहता था, यमुना में स्नान करना कहते कि भूतनी पकड़ी, एक भूतनी उसको पकड़ी और बड़ी कष्ट दिया। जब उसको पूछा गया भैया तू क्या मुक्ति पाना नहीं चाहते हो, बोले हाँ मैं तो चाहता हूँ, बोले बताओ कैसे मुक्ति मिलेगी, तुम बताओ उपाय, बोले तुम्हारी गुरु जी की चरणामृत मेरे को पा करके मेरी मुक्ति मिल जाएगी। बोले गुरुदेव तो अभी है, गुरुदेव तो और पत्नी खुद कहती है तुम्हारी मठ में के बाबा उनकी खाट को नीचे के बोतल है, एक समय वो आए थे वृंदावन में, उनका चरण धोकर के चरणामृत को एक बोतल पत्नी स्वयं गर्भूत कह रही है, वो नीचे एक बोतल में बाबा जी महाराज को पूछना वही पर रखा हुआ चरणामृत, वो चरणामृत को ला करके दे दो, उनके चरणामृत से मेरे को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए केवल जीवों को उद्धार किया ऐसे नहीं, कितने प्रेत पिशाचों को भी उन्होंने भक्ति के द्वारा उनको भी उन्होंने उद्धार किया, इनकी इतनी महिमा। देखो इनकी एक आश्चर्य घटना है, बंगाल में क्या हुआ, एक माता जी मंदिर में आती थी, भजन करती भक्ति करती थी, आपको पता होगा बंगाल में मछली मांस खाने वाले मछली मांस प्राय सबके सब मछली मांस खाने वाले, और पत्नी आती थी तिलक कंठी लगाती धारणा करती थी, लेकिन वो लेकिन जो पति मारता था उसको, बोले क्या तुम बाबा कौन सा बाबा जी को पास में गए जो मछली नहीं खाएंगे मांस नहीं खाएंगे, चाय तक भी नहीं तुम्हारी चलेगा, नहीं प्याज लहसुन नहीं चलेगा, है तुमने सत्यानाश कर दी। एक दिन उसको पति ने खूब मारा, बड़े शासन किया, वो इतने दुखी हो गई, बोले मैं आज प्राण त्याग करूं आत्महत्या करूं। अभी गुरु जी को पास में गए, गुरु जी वही आए हुए थे, बहुत सारी मठ ये सिलीगुड़ी का कथा है, गुरु जी आए हुए थे, सोचा आज मैं गुरु जी के अंतिम दर्शन करूंगी, फांसी लगा लू। अभी गुरु जी के दर्शन करने आए, उस समय गुरु जी विश्राम कर रहे थे, जो सेवक था बोले गुरु जी का एक बार दर्शन करना चाहता हूँ, बोले गुरु जी विश्राम कर रहे थोड़ी देरी बाद में आओ। जब थोड़ी देरी बाद में ये गई ना, गुरु जी खुद बोल पड़ी, बोले पागली भगवान ये मानव शरीर है कितने दुर्लभ शरीर दिया है तुमको, 84 लाख जन्म के बाद में एक बार मानव शरीर दिया, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष करे द्वारा
पाई न जई परलो मुसवार भगवान स्वयं कहते हैं ये मानव शरीर नहीं ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते मुक्ति के दरवाजा पर तुमने पहुंचाए इसी जीवन में ही प्रभु को प्राप्त करके तुम जन्म मृत्यु से उद्धार पा सकते हो। सुइसाइड करोगे आत्महत्या करोगे पागली कभी ऐसे चिंता नहीं करना। गुरुदेव स्वयं बल पड़े बेटी कोई चिंता मत करो एक काम करो जो कुछ प्रसाद भोग लगाएंगे ना पति को खिलाओ प्रसाद खिलाओ अच्छे अच्छे करके पानी में तुलसी पत्ता ठाकुर को भोग लगा खिलाओ भक्त बनेगा ना तेरे से भी बड़ा भक्त बन जाएगा तेरे से भी बड़ा भक्त बन जाएगा। गुरु जी शासन किए की वाणी में कुछ दिन बाद वो पत्नी से भी श्रेष्ठ कहीं भोग उनको सपना ठाकुर जी साक्षात इन से बात करते थे बोले तुम्हें पता है आज मेरे को चला हुआ इसी मंदिर में जैसे नवद्वीप मंदिर में जो भिक्षा में आता था वही खिलाते थे साधारण जैसे चावल भी मिलता है वो उसको ही बनाकर खिला देते थे। एक दिन ठाकुर इनको स्वप्न दिया बोले तुम देखते कि नहीं मेरे को क्या भोग लगता है कि नहीं तुम्हारा एक बार देख क्या मेरे को खाना खिलाते एक बार तो देख। तब उन्होंने गए देखा साधारण चावल भोग लग रहा बोले देखो ठाकुर जी मेरे को स्वप्न दिया है आज से ठाकुर जी के लिए जो बात अलग जो कुछ तुम लोग खाते हो ठाकुर जी के लिए अलग व्यवस्था करना। जब जगन्नाथपुरी में एक तोटा गोपीनाथ है ठाकुर स्वयं इनको स्वप्न दिए उस समय दोनों महाराज एक जगह पर थे ये दोनों महाराज वहीं पर थे कोई विग्रह स्थापन हुई थी गोपीनाथ उनको स्वप्न दिया बोले देखो मेरे जो पुजारी है ना मेरे को फटे फूटे कपड़ा पहना है तुम मेरे को कोई नए कपड़े ला करके दो मेरे कोई नए कपड़े ला कर दो। ये स्वप्न पा करके हमारे भक्तवृंद नारायण गोस्वामी महाराज को बोले ऐसे इनकी स्वप्न आया चलो हम नए वस्त्र धारण खरीद करके लाते हैं। लेकर के जब उन्होंने आए तब उन्होंने बोले देख पुजारी जी एक नया वस्त्र लो अब ठाकुर को पुराना वस्त्र फड़ा दो क्योंकि ठाकुर स्वयं बोले मेरे कपड़ा फटा हुआ फटे फूटे कपड़ा है सचमुच से दिया तो देखा उसमें फटे फूटे कपड़े ठाकुर का सेवा ठीक से नहीं कर इसलिए कहीं दर्शन करने के लिए ठाकुर के लिए कोई खटिया नहीं था जो दर्शन करके आ गए देख कर गया कि नहीं मैंने कहा रहता हूँ मेरे लिए सोने के लिए कोई खटिया नहीं मेरे लिए खटिया ला दे ठाकुर इनको कोई भी हो ना ठाकुर जी इनको डायरेक्ट स्वप्न आती थी गुरुदेव भी इनको स्वप्न देते हो गुरु जी को स्मरण गुरुदेव ठाकुर जी इनको स्वप्न दिया करते थे महापुरुष को हैं इसलिए ये जो महापुरुष आज इनका जो जन्मतिथि है उन्होंने हमारे गौड़ीय संप्रदाय हमारी जो गौड़ीय वेदांत समिति में आचार्य थे इन्होंने आचार्य थे जब शिष्यों को हरिनाम दीक्षा देने के लिए जाते थे हमारे जो भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को बोलते थे हमें आदेश दो मैं ये पाप कर्म करने के लिए जा रहा हूँ इनके अंदर में इतने दीनता और दिन में एक एक लाख हरिनाम करना गुरु वैष्णव की सेवा करना ऐसे करते हुए उन्होंने संपूर्ण जीवन को गुरु वैष्णव की सेवा में ही उन्होंने आत्मा साधाए। और आज हमारे श्री भक्ति वेदांत से लव नारायण गोस्वामी महाराज का आज तिरोभाव है। कहते ये जो महापुरुष है ये अद्भुत ये महापुरुष आप लोगों ने श्रवण किया है माता कुंती कहती हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीधि रेत मान मदपमान है। कहते कुंती कहते हे प्रभु जिसको पास में चार चीज रहेगा ना तो कभी तेरे भजन नहीं करेगा। बोले चार चीज क्या? बोले अगर किसको पास में ज्यादा पैसा हो जाए वो घमंडी होते हैं भगवान की भक्ति नहीं करेगा हम किस हमारे पास में किस चीज की कमी हम क्यों भक्ति करेंगे वो भक्ति नहीं करेगा तुम्हारी। लेकिन ये जो महापुरुष है आप लोगों ने श्रवण किया ना ये पुलिस अफिसर थे आपको पता होगा पुलिस अफिसर के पास में गड्डी की गड्डी पैसा हाँ गड्डी नहीं चाहने पर घर में जोर जबरदस्ती रख करके चले जाते ये पुलिस अफिसर में थे साधारण नौकरी में नहीं थे हैं। इसलिए जन्म अभी लोग श्रवण कर रहे थे साधारण घर में जन्म नहीं हुए कौन सा घर में श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुई सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में तिवारी कुल में बक्सर आप लोगों ने श्रवण किया जहां पर राम लक्ष्मण सीता जहां पर रहे जहां पर विश्वामित्र का जहां यज्ञ स्थली जहां पर बड़े बड़े साधु संत जहां पर रहते थे हैं वहीं पर ही ये महापुरुष की जन्म हुआ है। इसलिए जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रुत मतलब होता है ज्ञान
जिन लोगों ने सुन देखे गुरुदेव को, कौन कौन देखे हो गुरुदेव का हाथ उठा तो, कौन कौन गुरुदेव को देखे हो? आप लोगों ने देखे होंगे इनके नाम इतने महिमा इनकी थी, इतने महिमा। मेरे बचपन में मेरे बड़ी इच्छा होती थी मैं ठाकुर की कथा सुनाऊं, भगवान की कथा सुनाऊं। मेरे मन में मैंने कहा भैया ऐसी व्यक्ति हो की कथा सिखाते ही पढ़ाते। मैंने सुना मथुरा में एक नारायण गोस्वामी महाराज है, बच्चों को हरी कथा सिखाते, श्लोक पढ़ाते, खड़े करके बुलवाते हैं। सचमुच से मैंने जब आया ना, देखा मथुरा मठ में कृष्ण कथा रूपी गंगा की नदी बहते हुए मैंने देखा। एक एक दिन में गुरुवर को कहते थे, मैं चार चार बार गुरुजी कथा सुनाया करते थे, हैं गुरुदेव कथा सुनाया चार चार बार कथा, और एक विषय के ऊपर इतने डिटेल स्वरूप में व्याख्या करते थे। मैंने कहा हे भगवान, जैसे गुरुदेव एक पारस मणि थे, जैसे लोहे स्पर्श कराओ ना उसको सुना बना देती है, गुरुदेव एक पारस मणि थे। इनके संस्पर्श में जो आ गए इनके संस्पर्श में, सबको गुरुदेव ने लोहे को उन्होंने गुरुदेव ने सोने बना दिया, गुरुदेव ने सोने बना दिया सबको। अभी किसी गौड़ीय मठ में जाओ एक भक्ता मिलना कठिन है, लेकिन हमारे महाराज जी इनके एक एक सन्यासी है, महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी ते आछे जाकर नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे नाम, एक दिन ऐसा आएगा संपूर्ण विश्व में जीव आनंदित होकर के बोला हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे। इसलिए ये महापुरुष ने ये काम को सार्थक किया है, संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने 15 बार ना 20 बार संपूर्ण पृथ्वी में उन्होंने चक्कर लगाए, संपूर्ण पृथ्वी में महाप्रभु का वाणी को जाकर के सर्वत्र उन्होंने प्रचार प्रसार किया। अनंत जीवों को उन्होंने भगवत भक्ति की मार्ग में महापुरुष लाए, अनंत जीवों को हैं, इनको पास में एक एक इनका जो सन्यासी शिष्य तो उनको छोड़ दो बात, इनको पास में जो ब्रह्मचारी ना हमारे गौड़ीय मठ में, बाबा आप सोच नहीं सकते। एक हमारे श्री बंसी वदन प्रभु, एक विजय प्रभु हमारे मठ में, एक उत्तम प्रभु जी, और हमारे गौड़ीय मठ में बहुत ऐसे उनका ब्रह्मचारी शिष्य आप सोच नहीं सकते, इतने धुरंधर। बोले ब्रह्मचारी हमें छोड़ दो, और ब्रह्मचारी में हमारे संजय प्रभु जी, यहाँ पर आपको अभी कथा सुनने का आपको सौभाग्य मिलेगा, अभी सुनेंगे। सचमुच से ये प्रभु जी संजय प्रभु जी ना, आपको इनके बारे में क्या बताऊंगा, जैसे सूर्य को दीपक दिखाना है प्रभु जी को। इसलिए इतने प्रभुपाद के विचार को इतने सुंदर रूप में प्रभु जी बोलते हैं, हैं हमारे श्री रामचंद्र प्रभु, रोहिणी नंदन प्रभु, हैं रोहिणी सुत प्रभु, ये लोग ना एक एक ना अनमोल रत्न हैं। अभी अभी बोल रहे थे ना हमारे दामोदर प्रभु बोल रहे थे, और श्री राजकुमार प्रभु बोल रहे थे, और कौन बोल रहे थे, अभी जीत प्रभु आएंगे बोलेंगे। इनके जो गुरुदेव का जो शिष्य है ना, अब सोच नहीं सकते, धुरंधर है। हम सुनते हैं ब्रह्मांड तारित शक्ति धर जजने, मतलब है एक एक महाप्रभु का भक्त है संपूर्ण ब्रह्मांड को तार सकते हैं। सचमुच से हमारे जो गुरु जी के शिष्य है ऐसे ऐसे, और जो गृहस्थ में रहते हैं, अब सोच रहे से गृहस्थ में भी इतने ज्ञानी। अभी विशाखा दीदी बोल रही थी ना, अभी विशाखा दीदी बोल रही थी ना, ऐसे ही कितने विशाखा गुरुदेव के पास में, अनंत विशाखा गुरुदेव के पास में बहुत सारे हैं। इसलिए कहते हैं उनकी जो स्त्रियां जो गुरुदेव के बड़ी बड़ी विद्वता है, इनके पास में जो माताएं जो आई ना बड़ी बड़ी, उमा दीदी तो सारा दुनिया में, कविता सविता ऐसे बहुत सारी लड़कियां, और हमारे गुड्डी बुड्डी भागवत कथा करते सारा दुनिया में जो लड़कियां आई गुरु जी के पास में, आप सोच नहीं सकते। ऐसे गुरुदेव सबको उन्होंने एकदम सोना बना दिया सबको, स्पर्श मणि के संस्पर्श में। इसलिए कहते जन्म ऐश्वर्य श्रुत, श्रुत मतलब होता है ज्ञान है, गुरुदेव के पास में अथाह ज्ञान है, अथाह ज्ञान। जिन लोगों ने सुने उनको पता होगा, सब लोग कथा बोलने के बाद गुरुदेव नए तरीका से नई कथा गुरुदेव सुनाया करते थे। जन्म श्री, श्री मतलब होता है सुंदरता। देखो जब मैं पहले मठ में आया ना, जब सर्वप्रथम मथुरा मठ में गुरुदेव को देखा, करीब ठंडा था, मैंने गुरुदेव को देखा, मैंने कहा अंग्रेजी ना कोई भारतीय है, हम लोग देखे ना गुरु जी को, कौन कौन गुरु जी को देखे गुरुदेव का फट, अब गुरु जी को देख करके ले गया नहीं कोई भारतीय है। उनका जो आंख के जो पुतला है ना, कई कौन सा रंग है, नीले रंग का, किसे आप पुतला है नहीं। इसलिए सबसे अलग गुरुदेव, इसने गुरुदेव इतने लंबे चौड़े इतने सुंदर गुरुदेव थे, जब चल रहे थे
से पुजारी प्रसाद लेकर के आए, बोले गुरु जी को प्रसाद देना चाहता हूँ। माधव महाराज बोले, बोले गुरुदेव तो अभी मिल नहीं सकते, तो गुरुदेव को सबसे मिलने नहीं देते थे। बोले नहीं, प्रसाद मुझे दे दो। तो उन्होंने बोले नहीं, मैं गुरु जी को कुछ विशेष बात बताना चाहता हूँ, मैं गुरु जी से डायरेक्ट मिलना चाहता हूँ। ज्यादा बोलने पर माधव महाराज जी उनको लेकर गुरु जी के पास में गए। बोले गुरुदेव देखो गुरु जी का क्या महिमा, राधा रानी स्वयं पुजारी कह रहे हैं मेरे को राधा रानी को स्वप्न आया रात में। बोले यहाँ पर जो नारायण महाराज है वो मेरी सखी मंजरी है और मेरी प्रसाद लेकर के उनको देख करके आना। बोले राधा रानी मेरे को स्वप्न दी, जब आप राधा रानी की सखी मंजरी हो ये प्रसाद का आप लो। गुरुदेव सुन करके तो हृदय गदगद हो गया। राधा रानी जहाँ स्वयं स्वप्न देख करके किसी व्यक्ति को कहते हुए साधारण बात है, गुरुदेव का हृदय गदगद हो गया। तो गुरुदेव ने 1,101 रुपया प्रणाम दिए। बोले नहीं, मैं सबसे प्रणाम लेता हूँ लेकिन आपसे मैं प्रणाम नहीं ले सकता, क्यों? राधा रानी मेरे को स्वप्न आदेश कर आपके पास में भेजा। बोले राधा रानी स्वयं स्वप्न आदेश करके जिन महापुरुष को पास में प्रसाद भेजते हैं वो महापुरुष कोई साधारण नहीं। बोले श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय। इसलिए गुरुदेव का जो महिमा अद्भुत है, और गुरुदेव को मैं तो उदाहरण देता हूँ, ये तो दूसरे श्री जीव गोस्वामी, जीव गोस्वामी का नाम सुने ना, जैसे इनको पास में नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास आए और ये उनका कोई शिष्य नहीं है, मैं जो देखा है शिष्य नहीं थे, श्री जीव गोस्वामी को शिक्षा और पानी है, तीनों को उन्होंने तीन दिशा में उन्होंने भेजा है, तीन दिशा में भेज करके महाप्रभु का भक्ति का उन्होंने प्रचार और प्रसार किया। उसी तरह गुरुदेव भी उन्होंने किया, क्या गुरुदेव ने उन्होंने बहुत अनंत शिष्य बनाए और अनंत शिष्य बना करके श्री जीव गोस्वामी तो केवल उनको भारत में प्रचार किया, भारत में भारत नहीं तो, मैं तो भेजे ही है अभी संपूर्ण विश्व में। गुरुदेव का जो शिष्य है संपूर्ण विश्व में, अमेरिका, लंदन, फ्रांस, जर्मनी, हाँ ऐसे कोई राष्ट्र नहीं जहां पर गुरुदेव का सेवक अभी महाप्रभु का वाणियों को जहां पर गुरुदेव के सेवक प्रचार नहीं कर रहे। तो मैं महाप्रभु का भक्त लोग, गुरुदेव का भक्त लोग सारा दुनिया में प्रचार प्रसार करते हैं गुरुदेव का शिष्य। इसलिए जो गुरुदेव करके इनको जो साधन है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं साधन करें प्रचार करें, कोई व्यक्ति भजन करते हैं लेकिन प्रचार नहीं करते हैं, लेकिन कोई प्रचार करता आचरण नहीं करते हैं। लेकिन हमारी गुरु जी के अंदर में दोनों वस्तु दोनों चीज एकदम परिपूर्ण रूप में, जब तक गुरु जी 1,00,000 हरिनाम नहीं करते, मैं गुरु जी का सेवा किया हूँ, हाँ कुछ दिन सोता था, गुरुदेव क्या करते थे टाइम से सो जाते थे, सो करके एकदम 2:30-3 बजे उठ जाएंगे, उठ करके किसको अगर कोई पास में सोया हुआ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और हाथ मुंह धो करके खाट के ऊपर बैठ करके हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। जब तक गुरु जी कोशिश करते 9 बजे के अंदर में जैसे 1,00,000 हरिनाम जैसे पूरी हो जाए, और 1,00,000 हरिनाम करके फिर उसको बाद में गुरुदेव उसको बाद में कोई चीज ग्रहण करते थे, फिर और दूसरे सारा दिन में और 1,00,000 सोलह वाला अगर कोई करता होगा ना, देखना सवेरे से लेकर के शाम तक तो सोलह वाला ही खत्म नहीं कर पाता है, जो 8 माला करता होगा दिन भर, देखना 8 माला, लेकिन 3 बार 64 माला करना कोई साधारण बात है। केवल इतना वस्तु नहीं, 2,00,000 हरिनाम करना, उसको साथ साथ में गुरुदेव जो ग्रंथ लिख कर गए अद्भुत है, हिंदी भाषियों के लिए विशेष करके हिंदू भाषी हिंदी भाषियों के लिए गुरुदेव का जो अवदार अद्भुत अवदार है, अनंत ग्रंथों को जैव धर्म और शिक्षाष्टक मन शिक्षा उपदेशामृत गीत गोविंद रास पंचायत भागवत गुरुदेव ने अनंत ग्रंथों को उन्होंने हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन करके गए, और विशेष कर रस ग्रंथों को वर्णना करते हुए गोपी गीत, जैसे उनको गोपी गीत है, भगवत गीता, दूसरे ग्रंथों के ऊपर गुरुदेव का टीका है, अपना गुरु जी की टीका गुरु जी की। इसलिए गुरुदेव ने जब लास्ट तक हमने देखा है गुरुदेव कितनी प्रचेष्टा की,
लास्ट में गुरुदेव जैसे हरिनाम करते थे ना गुरुदेव, ऐसे ही रात को उठ करके सजय प्रभु जो प्रूफ देखते थे सबके सब, गुरुदेव लास्टेस्ट पेटलाइसिस हो गया गुरुदेव का। लास्ट में गुरुदेव क्या करते थे, ऐसे सर को ऐसे करके पुस्तक यहाँ लग करके उसी समय ये प्रूफ रीडिंग करते थे ग्रंथ पर। मतलब आप सोच नहीं सकते इतने कष्ट करके उन्होंने, गुरुदेव बोलते थे मैं रहते रहते जितना ग्रंथ प्रकाशित तो हो जाएगा उसको बाद में फिर कोई करने वाले नहीं रहेगा, इसलिए अथाह प्रचेष्टा करके उन्होंने कितने ग्रंथों को प्रकाशित तो गुरुदेव कर गए। विशेष करके जो गौड़ीय वैष्णव का ग्रंथ और हिंदी भाषियों के लिए अद्भुत गुरुदेव का अवदान है, अद्भुत अवदान गुरुदेव की। और गुरुदेव का जो भजन है, जो जब मैं पहले मथुरा मठ में आया हूँ, जैसे कार्तिक महीना में नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम दूसरे दूसरे गौड़ीय मठ में देखा ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन जब मैं मथुरा में आया आप लोगों ने जो गुरुदेव के जो देखे हो, देखना गुरु जी की गला की आवाज ना जैसे कोयले कुहुकती ना, जैसे कोयले कुहुकती है, गुरुदेव का गला की आवाज आप भजन कभी सुनना। जब मैं मथुरा मठ में आया गुरुदेव एक महीना तक ये जो दामोदर अष्टक को व्याख्या करते थे और इतने सुंदर गाते थे, मैंने तो देखते देखते कितने सुंदर भजन गाते थे। जैसे पहला भजन है बोले नमामि स्वरम सच्चिदानंद रूपम ब्रजवासी मिल करके कहां पर बरसाना में जुगाचार्य की उपाधि दी। देखो जुगाचार्य उपाधि आपको कोई यूनिवर्सिटी में मिल सकता है, आप लोग ब्रज में गए हो, जितने वहां के ब्रजवासी पढ़ा है ना, कहते कृष्ण जगत गुरु, लेकिन कृष्ण का गुरु कौन, बोले ब्रजवासी, बोले दुनिया कृष्ण का झूठन खाता है, लेकिन हम कृष्ण किसका झूठन खाते, ब्रजवासी को। कोई भी पंडे आपको ब्रज का कोई भी देखना, किसी सारा दुनिया भगवान को नहीं, बोले भगवान तो हमारे दोस्त लगते हैं, इसलिए भैया वो कभी भी किसकी प्रशंसा नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गुरुदेव को जहाँ पर नारायण भट्ट वो स्थान पर वहां के सारे ब्रजवासी मिलकर के उन्होंने जुगाचार्य को उन्होंने उपाधि प्रदान की, जुगाचार्य को उपाधि प्रदान की। सचमुच से उस युग में एक आचार्य है जो तीन धाम ना गौड़ धाम पुरी धाम श्री ब्रज धाम में तीनों धाम में गुरु जी का कहीं अगर जाओ किसका नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य, नारायण गोस्वामी महाराज नाम सुनते ना सबका सर नतमस्तक हो जाता है, बोले इतने बड़े महापुरुष का तो आश्रय लियो, इतने बड़े महापुरुष बताया, अगर किसकी मन में इतनी सी अभिमान आ जाए, कौन सा अभिमान, बोले आचार्य परंपरा अभिमान, जैसे अगर कोई बोल देना भैया मोदी का हम ये लगते हैं, मोदी का हम अमुक लगते, इतना बड़े बड़े काम तुम्हारी हो जाती है, बड़े बड़े काम तुम्हारी हो जाती है, हैं? उसी तरह अगर किसके अंदर भी इतनी सी अभिमान आ जाए, हम कौन हैं, बोले प्रभुपाद के शिष्य के शिष्य है, प्रभुपाद के शिष्य भक्ति प्रज्ञान कैसे गोस्वामी महाराज, और उनका शिष्य नारायण गोस्वामी महाराज, अगर किसके अंदर भी इतनी सी केवल अभिमान आ जाए ना, या आचार्य अभिमान इनके शिष्य श्री विश्वनाथ चक्रम ठाकुर कहते इतने में ही तुम्हारी उधार हो जाएगी, कहते इतने में ही तुम्हारी उधार हो जाएगी, अगर बोले ये महापुरुष का हम शिष्य है, केवल उनकी नाम लेते जन्म मृत्यु की बंधन खत्म हो जाएगी, इसलिए महाराज के अंदर और इन्होंने कभी भी कोई अगर तर्क वितर्क कोई उल्टा पुल्टा कोई संप्रदाय के विषय में बोलता था ना, गुरुदेव कभी समझौता नहीं करते थे, कोई कंप्रोमाइज नहीं, जो है वही है, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए मैंने बड़े बड़े जगह में देखा मायावादियों के पास में कभी कभी देखा श्री कहां पर श्री गोकुल में पंडे को साथ में लड़ाई हो जाती थी, गुरुदेव कहते कृष्ण वृंदावन में जन्म हुए, वो कहते नहीं मथुरा में जन्म हुए, मैंने देखा कितना बार उनको साथ में लड़ाई हुई, फिर गुरुदेव ने शास्त्र से उदाहरण देकर के बोले देखो मैं नहीं कहता भागवत कहता है, भागवत तो पढ़े ना,
गोपियां क्या कहती हैं, बोले जयति तेलिकम जन्मना व्रज सयत इंदिरा शाश्वत। कौन कह रहे, बोले गोपियां कह रहे, मैं थोड़ी मैं कह रहा हूँ, गोपियां कह रही हैं ब्रह्मा जी ब्रह्म स्तुति में, बोले नव मिड अभ्र बभुसे कृष्ण कौन है, पशुपांग जायो, पशु का मतलब जो पशुओं का पालन करते हैं उनका अंग से जो प्रकट हुई है कौन, कृष्ण। इसलिए श्री गर्गाचार्य जब नामकरण करते हैं, बोले क्या कहते हैं गर्गाचार्य, तुम्हारा जो लाला है कोचित वासुदेव से तबात्मज, ये तेरा बेटा लेकिन कभी वासुदेव का बेटा बना, लेकिन बेटा तेरा ही है। गुरुदेव कितने श्लोक उदाहरण देकर स्थापन करते थे, कृष्ण कौन है, ब्रजेंद्र नंदन श्री श्याम सुंदर। इसलिए मैंने बहुत सारी जगह में देखा, कहीं भी गुरुदेव कंप्रोमाइज कभी नहीं किया, जो है वही है। मतलब गुरु जी को देख कर ना सब डर जाते थे, बड़े बड़े विद्वान भी, मथुरा के वृंदावन के बड़े बड़े विद्वान भी जिनको देखकर कांप उठते थे। ऐसे गुरुदेव की अनंत अनंत कथा है गुरुदेव की। इसलिए आज हम लोगों का बड़े सौभाग्य की बात, ऐसे महापुरुष का परंपरा में हम लोग जो आए है ना, ये हमारी बड़ी सौभाग्य की बात। इतने से ही कल्याण हो जाएगा जब इनके नाम ही केवल लेंगे, इसी महापुरुष को धारा में हम आए, इसी में ही हमारी कल्याण हो जाती है। इसलिए हमारे बीच में श्री संजय प्रभु जी आए हैं, और जतन से बोले अवतर 5 मिनट बोले, जीत प्रभु है, जीत प्रभु, अभी हमारे माधव प्रभु का। इसलिए सबके सब गुरु जी की चरण में प्रार्थना करो, गुरुदेव का जो आदर्श, गुरुदेव ने जो भजन पद्धति दिखा कर गए, जैसे कम से कम अगर हम चल पाएंगे तो हमारा जीवन धन्य होगा। प्लस भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की जय, पिताई गौर। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। पृथ्वी प्रभु, पृथ्वीराज प्रभु, महाराज जी गुरु, नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी चरण राजी पाश्चात। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा, देखो ये जो प्रभु जी खड़े हैं, अभी हमारे नोएडा में खुड़ा में भागवत कथा हुई थी, इन्होंने सारे भागवत कथा की इन्होंने व्यवस्था की और सारे भागवत कथा की, और ये वहाँ के विशेष एक नेता है। अगर मुझे लगता है ये मंदिर बनने से पहले अगर ये प्रभु जी से हमारे साक्षात करो तो ना, ये प्रभु जी हमारे लिए बहुत बड़ी जाकर की व्यवस्था कर सकते थे। उन्होंने खुद बोले, बोले आपकी इच्छा थी, बोले हाँ, बोले मेरे को क्यों नहीं बोले, बोलते तो मैं खुद यहाँ पर व्यवस्था सब करते था। इसलिए इनकी बड़ी मंत्रियों को और एक बात उन्होंने बताए, हमें बात करते करते वहाँ पर बात हुई, कहते भागवत कथा दूसरे स्थान में सुनने का जो अगर ये बद्रीनाथ में कथा हो ना, क्योंकि वहीं पर व्यास देव ने सारे ग्रंथों को बनाया था, जहाँ अलकानंदा बह रही है, बड़ी सुंदर स्थान जहाँ सरस्वती नदी, अगर वहां पर भागवत कथा, बोले हजार गुण ज्यादा महिमा है, हजार गुण दूसरे जगह में कथा सुनने का जो महत्व, वहां पर हजार गुण बताया गया। इसलिए प्रभु जी की इच्छा है वहां पर बद्रीनाथ में भागवत कथा हो। प्रभु जी ने बोले देखो वहां के जितना खर्च है, रहने का खाने का मैं सब व्यवस्था करूंगा, रहने का खाने का व्यवस्था मैं करूंगा। इसलिए जो आना चाहते हैं केवल अपना किराए में आए और जाए, लेकिन वहां के रहने का प्रसाद का सारे व्यवस्था मैं करूंगा, यहीं से ही ट्रक भर करके सारे बस सामान ले जाऊंगा और भक्तों को मैं खिलाऊंगा। मैं तो सुनकर प्रभु की, इसलिए देखो देखो यहाँ पर भक्त लोग आए, अभी बैठने के लिए भी दिक्कत हो रही है,
फिर कितने भक्त लोग आ गए, बड़े जब बाहर सबके सब भक्त लोग बाहर बड़े कष्ट से बाहर बैठे हुए, इसलिए हम प्रभु जी से प्रार्थना करेंगे हो सके तो यहाँ पर कोई अगर थोड़ी सी बड़ी जगह हो हैं, अगर प्रभु जी कहीं व्यवस्था कर सकते हैं सरकार तरफ से कहीं बड़ी जगह, कोशिश करेंगे हम सेवा करने के लिए, लेकिन अगर कर सके आप लोग सब प्रभु को जिनको आशीर्वाद दो जैसे खूब फलते फलते रहे और हमारे लिए कोई बड़ी जगह व्यवस्था करें, और ये चाहे तो ना ये कर सकते हैं, और इनको बड़े बड़े मंत्रियों को साथ में, इनको बड़े बड़े मंत्रियों को साथ में इनकी इनकी परिचित है, अरे की माँ भी यहाँ पर आई है और इनका पूरा परिवार, इनके पूरा परिवार सबके सब भक्त है, खूब भक्त है इनका परिवार, भजन इनके घर में प्याज लहसुन कोई भाइयों को देखकर प्रभु जी इनको खूब आशीर्वाद करें। अगली बार जो हो ना आपका आशीर्वाद से, अगली बार जो हो पर सारे फिर तो सारे संत आपको फलते फूलते रहो। नित्य लीला ओम प्रविष्ट अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के कवे चरणों में मेरा कुछ कुछ हुआ चल रहा हूँ मैं, या पूज्यपाल श्रीधर महाराज जी के चरणों में मेरा प्रणाम, और प्रभु जी जितने वैष्णव बैठे हैं सबके चरणों में मेरा था योग प्रणाम। हरे कृष्णा, एक बार जोर से बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और एक बार जोर से बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, एक बार और बोलो प्रभु जी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। देखो भाई आज दो दो महापुरुषों का एक प्रेयर और एक का आविर्भाव। ये महापुरुष कौन है? आपने जैसे कभी हम बुक पढ़ते हैं तो एक शब्द आता है श्री कृष्ण कृपा मूर्ति, ठीक है। जैसे जब हमारे बच्चे अगर दुखी हो तो माँ बाप को कितना दुख होता है? बहुत दुख होता, नहीं होता? ऐसे हम जितने बच्चे हैं जब हम लोग दुखी होते हैं तो वो ही कृष्ण, वो अपनी कृपा करके ऐसे महापुरुषों को भेजते हैं। चूंकि हम लोग जो दुखी हैं ना, हमारा केवल दुख हरने के लिए ऐसे महापुरुष आते हैं। मैं एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा, एक तो भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज जी के बारे में और एक भक्तिवेदांत गुरुपाद पद्म नारायण गोस्वामी महाराज के बारे में, जो मैंने उनके साथ जैसे संबंध किया। एक बार हम नवदीप जा रहे थे और बर्धमान में एक महाराज जी हैं, मठ हैं, मुझे उनका नाम याद हुआ। बैठे ऐसी चर्चा चल रही थी बात बात में, तो वो कहें जब गुरुदेव की हमने पूछा, हमसे पूछा कौन हो, तो मैंने बताया हमें भक्तिवेदांत गुरुदेव का नाम लिया और मैं क्या उनका शिष्य हूँ। बैठे वहां तो फिर वो कहने लगे, मैं जब छोटा सा था तो भक्तिवेदांत बामन गोस्वामी महाराज, भक्तिवेदांत त्रिमक गोस्वामी महाराज दोनों जने गिरिराज जी की परिक्रमा देने के लिए मथुरा गए। जब मथुरा गए तो जब पहले गैस वैस कुछ नहीं थी तो मेरी सेवा लगा दी कि तुम जाओ और स्टोव ले जाओ, स्टोव लेके जाओ और उनके लिए प्रसाद बनाना और परिक्रमा दे के आएंगे तो उनकी सेवा में साथ रहना। तो वो बता रहे थे प्रभु जी जब मैं साथ गया, जब परिक्रमा दे रहे थे दान घाटी से, जब परिक्रमा चल रही थी तो बामन गोस्वामी महाराज आगे थे, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज पीछे थे, परिक्रमा कर रहे थे तो उन्होंने पूछा त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी को कि महाराज जी आपका जन्मदिन कब है? तो उन्होंने कहा हरामखोर तू मेरा जन्मदिन मनाएगा?
ऐसे करके डांटा। जब डांटा तो बामन गोस्वामी महाराज आगे थे, उन्होंने सुना और वो पीछे मुड़ के बोले कि ये नहीं तुम्हारा जन्मदिन मैं मनाऊंगा। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, जैसे ये तीनों का एक घनिष्ठ संबंध था और गौड़िया मठ के ये तीनों पिलर हैं ब्रह्मा विष्णु महेश। तो आज जैसे बामन गोस्वामी महाराज और गुरुदेव का है, ऐसे ही बामन गोस्वामी महाराज जी और इनका प्रभु जी संजय प्रभु त्रिभुभाव देवत मतलब तीनों का जब भी कोई उत्सव होता है तो तीनों का साथ साथ होता है। इसका मतलब वो पहले इस बात अपनी इच्छा से आते हैं और अपनी इच्छा से जाते हैं, तभी तो गए। ये कहा था ना बहुत दिन पहले कि मैं तुम्हारा जन्मदिन ये नहीं मनाएगा मैं मनाऊंगा, क्योंकि वो जानते थे कि इन्होंने कोई शिष्य नहीं बनाया, शिष्य नहीं बनाया तो शिष्य नहीं है तो फिर कैसे पूजा स्मरण किया जाएगा। तो इन्होंने तीनों ने संबंध रखा। और महाराज जी जो बता रहे थे, देखो ये घटना भी जो हुई थी ना, परिक्रमा चल रही थी, जब परिक्रमा चल रही थी तो और एक जनकपुरी मठ में की बात है, जब गुरुदेव जा रहे थे तब गुरुदेव जा रहे थे तो हम सुबह सुबह गुरुदेव अस्वस्थ लीला थे, सुबह सुबह हम जो सब लोग पहुंच गए मठ में, जी गुरुदेव को जब गुरुदेव को ढकेलने वाला जो चेयर था उस पर बैठे थे और वहीं से माधव महाराज बोले यहीं से प्रणाम कर लो, बोले नहीं नहीं वहां ले चल के नहीं यहीं से प्रणाम कर लो। तो कहने लगे मैं दोबारा नहीं आऊंगा, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। और गुरुदेव में खासियत थी, जैसे हम किसी के साथ 10 साल 5 साल रह लें तो उसमें कोई ना कोई कमी दिखने लगती है, नहीं दिखने लगती, कोई ना कोई दोष देखने लगता है। लेकिन गुरुदेव से जो एक बार टच हो गया वो व्यक्ति यूं सोचता था कि गुरुदेव मेरे को बहुत प्रेम करते हैं। जो व्यक्ति गुरुदेव से एक बार मिल गया वो फिर गुरुदेव का ही हो गया। आज तक किसी व्यक्ति ने ऐसा नहीं, हर व्यक्ति अपने को यही सोचता था कि गुरुदेव मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, मेरे को ज्यादा प्रेम करते हैं, यही सब भी ऐसा प्रेम था गुरुदेव का। एक बार की बात है जब हम गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, कहते हैं कि अपने गुरु की कोई अगर बड़ाई करे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन और गुरुओं के जब शिष्य जब बड़ाई करें तो समझ लेना बहुत बड़ी बात है। और ये ब्रजवासी जो होते हैं ना, ये किसी की साधारण वैसे ही बड़ाई नहीं करते। एक बार की बात है हम गिरिराज की परिक्रमा दे रहे थे तो उद्धव कुंड पे एक गिरधारी पंडित जी रहते हैं, अब वृद्ध हो गए, बहुत बुढ़े हो गए। तो जब हम परिक्रमा कर रहे थे तो हमने प्रणाम किया, पूछा लाला, ब्रजवासी ने की तो ऐसी भाषा है, लाला कौन के शिष्य हो? मैंने बताई, गुरुदेव का नाम लिया। अरे उनके हो? हाँ, वो वृद्ध हो गए और जब 10वें पढ़ते थे तब थोड़ा सा संबंध रहा होगा उनका, तो कहने लगे अरे लाला हमने जब हाई स्कूल के पेपर दिए थे ना तो हमारी मैया को जानते थे तेरे गुरुदेव, और मैया बोली के महाराज जी के साथ ही रहना, वहां चले जाना मठ में। और वहां मठ में गए और जब मठ में गए तो गुरुदेव बड़ा प्रेम करते थे और हमको बड़ा उत्साह देते थे। देखो 10वें, अब उनकी उम्र कम से कम 70 साल होगी और जब हाई स्कूल के पेपर दिए होंगे तो कितनी होगी, 15-16 साल। 15-16 साल पहले का जो थोड़ा सा संबंध था वो पूरे जीवन रहा। और वो कहने लगे लाला एक बार की बात है, हम तो गोवर्धन में ही जब गए थे तेरे गुरुदेव जो है अस्वस्थ लीला कर रहे थे, तो हमने कहा भाई हम तो मिलेंगे, तो टीवी लगा रखी बाहर, वो अपनी भाषा बता रहे, टीवी बाहर लगा रखी थी, तो हमने गए, मैंने कहा भाई थोड़ी देर एक बार दर्शन कर लें दो। तो माधव महाराज जी ने जो उन्होंने कहा, जो सेवक थे उन्होंने कहा ना गुरुदेव किसी को नहीं मिलेंगे, दर्शन करने तो बाहर चले जाओ टीवी में कर लो। हमने कहा हम तो दर्शन करके जाएंगे, तुम एक बार करो, एक बार कह दो कि गिरधारी पंडित जी आए उद्धव कुंड से, बस इतनी कह दो। और उन्होंने अपनी मैया का भी नाम बताया कि अपनी मैया का नाम बताया, कहा कि उनके बेटा आए, ऐसे बोल देना।
फिर वो कहने लगे कि लाला हमें मौका मिल गया, उन्होंने किसी ने कहा होगा तो हम चले गए अंदर। चले गए तो हमने प्रणाम किया, प्रणाम किया, बोले अरे तुम तो बड़े विद्वान हो, और हमारी बड़ी प्रशंसा करने लगे। और फिर हमको बोलने लगे कि अब हम यहाँ से जगन्नाथपुरी जाएंगे और वहां यात्रा खत्म करके, नवदीप में यात्रा खत्म करके हम दोबारा ब्रज में नहीं आएंगे। तो बोले कि भाई वो साधारण नहीं है, वो तो खुद कृपा पात्र हैं, उन्हीं की सेवा उन्होंने भेजा है ब्रज में। और कहने लगे ब्रज में केवल दो साधुओं का नाम बताया उन्होंने, एक हमारे गुरुपाद पद्म का और एक भक्तिवेदांत स्वामी महाराज जी जो स्कूल के संस्थापक हैं। वो कहने लगे अगर ब्रज में कोई साधु हुए तो केवल दो ही, समय का थोड़ा अभाव है हमारे संजय प्रभु, पूरा बड़ा डिटेल से बताएंगे, उम्र कम है लेकिन बहुत ज्ञान है। ठीक है, बांध छाकल पुरुष कृपा संजय हो जाए, पति तना पावन जो वैष्णव जो नमो। हरे कृष्ण, कमल प्रभु जी इधर आना, कमल प्रभु जल्दी आ जाते। हरे कृष्ण। परम पूज्य श्रील भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के चरण कमलों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञान तिमिरंध्रस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की इस परम पवित्र तिथि पे कई दिन पहले से विचार आने आरंभ हो जाते हैं कि गुरुदेव के लिए हम क्या बोल सकते हैं, और जब ये जड़ीय मन खूब प्रयास कर लेता है तो कुछ समय के बाद ये विश्वास हो जाता है कि हम उनके बारे में बोलने की कोई क्षमता नहीं रखते हैं। उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके संग से यदि थोड़ा बहुत कुछ सुना या समझा था उस समय, तो उन्हीं विचारों को ही हम आपस में एक दूसरे के साथ बांट सकते हैं और उनकी महिमा को कुछ समझने का प्रयास कर सकते हैं। कल की बात है कि मेरा एक स्कूल का बहुत पुराना मित्र बॉम्बे में है, उसने एक व्हाट्सएप ग्रुप पे एक मैसेज शेयर किया। वो ज्यादा बात खुली नहीं, वहां दबा दी गई, परंतु उससे मुझे कुछ गुरुदेव के महत्व के बारे में, कुछ आज के समाज के विषय में सोचने का मौका मिला, इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हमारे सभी के बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, और यदि हम सबसे पूछा जाए तो हर कोई यही प्रयास करता है कि अच्छे से अच्छे स्कूल में हम अपने बच्चों को दाखिला दिला दें। तो जिस ये घटना है वो बॉम्बे क्या, लगभग शायद इंडिया का सबसे अमीर लोगों के बच्चे जहां जिस स्कूल में जाते हैं है, विश्व के सबसे रिच जो है उनमें परिवार है, उनका वो अपना स्कूल है। मैं यहाँ नाम पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं देना चाहूंगा। कहते हैं वहां पता लगा कि 13-14 साल के बच्चे थे, उनका एक अपना बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था, और उनकी जो आपस में चैट्स थी वो थोड़ा डिस्क्लोज हो गई, प्रिंसिपल या कुछ पेरेंट्स तक पहुंच गई, और फिर वो बात खुल गई। और उसमें जिस तरह के शब्द उन बच्चों ने अपने साथ में पढ़ रही लड़कियों के बारे में व्यवहार किए हुए थे, वो मैं यहाँ इस मंच पे बोलने लायक नहीं है। वो निर्भया कांड में जो सच्चाई में बातें अखबारों में पढ़ी और टीवी में देखी, वो बच्चे अपनी भाषा में व्यक्त कर रहे थे कि हमें मौका मिले तो हम अपनी क्लास की लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि क्या हो रही होगी बात वहां पर।
बड़ा विचार हुआ आपस में, बात बड़ी उस समय की याद आई। कई बार हम लोग अभी क्योंकि भक्ति में सब नए नए हैं तो जाते हैं प्रचार करने, तो कई बार बहुत हाई लेवल की बातें हर जगह बताना शुरू कर देते हैं कि राधा जी का तत्व या ये सब वगैरह। परंतु जितना मैंने गुरु जी के साथ उस समय में इधर उधर जाने का मौका मिलता था, कभी कभी गुरु जी नए नए घरों में भी जाते थे, आपको भी याद होगा आप में से कई लोगों के घर गुरुदेव आए होंगे, तो हमने एक चीज अनुभव करी थी कि गुरुदेव भारतीय संस्कारों को बहुत महत्व देते थे, और यदि कोई एकदम से कृष्ण भक्ति के लिए उपयुक्त नहीं भी है तो उसको पहले साधारण भाषा में समझाते थे कि अच्छा घर में बड़ों का सम्मान करो, अपने बच्चों को इस तरह से शिक्षा दो, हो सके तो जब बिजनेस में जाते हो तो सुबह ठाकुर जी को प्रणाम करके जाया करो, प्याज लहसुन चाय कॉफी इत्यादि के विषय में थोड़ा थोड़ा बताते थे, नॉनवेज के बारे में बताते थे। तो ये उस महाभागवत की जो भी महाराज जी बता रहे थे उनकी जो क्षमता है वो बहुत हाई लेवल के ज्ञान भी दे सकते हैं, लेकिन जितने महान व्यक्ति होते हैं उनके अंदर एक और विशेष क्षमता होती है कि सामने वाले की जितनी एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, जितना आप समझ सकते हो उतना ही वो ज्ञान देंगे। ये हमारे अंदर ये क्षमता नहीं होगी लेकिन उनके अंदर होगी। कोई आईआईटी का बहुत बड़ा प्रोफेसर होगा, यदि उसको आप किसी नर्सरी स्कूल के उद्घाटन पे बुलाएंगे तो वहां पर आइंस्टाइन की थ्योरीज नहीं समझाएगा, वो सिर्फ उन बच्चों को क्या समझाएगा कि अच्छा एप्पल के अंदर ये वाला एक, इसके अंदर ये रेड कलर कहां से आ रहा है, तो बच्चों को इस तरह से उत्साहित करेगा। तो उस बॉम्बे वाली घटना से मुझे एक जो गुरुदेव के बारे में ये अब आज उनकी महत्व बहुत समझ आ रहा है कि कैसे उन्होंने भारतीय संस्कृति के विचार, देखो आज हमारे स्कूल को इतने अच्छे अच्छे स्कूल हैं, हम सारी अपने बच्चों को फैसिलिटीज दे रहे हैं लेकिन उनमें संस्कार नहीं आ रहे। तो संस्कार जो है वो गुरुदेव को मैंने अपने, मतलब हम सब ने महसूस किया कि गुरुदेव संस्कारों को बहुत महत्व देते थे क्योंकि वो जड़ है। वहां से अगर एक बार श्रद्धा से ही हम कहते हैं ना भक्ति आती है, तो श्रद्धा का जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारे घरों में। बच्चा बड़ों को सम्मान नहीं दे सकता, बड़े बच्चों को अगर ठीक से शिक्षा नहीं दे सकते तो फिर शिक्षा अंततः जाकर के किस तरह से एक रूप में बदलेगी, तो बड़ा मुश्किल है। तो गुरुदेव का ये बड़ा लॉन्ग। एक दूसरी छोटी सी घटना और शेयर कर रहा हूं। अभी हमारे पिछले संडे को हमारी कॉलोनी में दो डॉक्टर्स आए, एक गायनोकोलॉजिस्ट हार्डिंग हॉस्पिटल की डॉक्टर थी, तो वहां कैंसर पे एक विशेष उन्होंने लेडीज के लिए सेमिनार रखा था। तो वहां किसी ने प्रश्न पूछा कि कैंसर क्यों होता है, तो उन्होंने समझाया कि देखो जैसे कभी कंप्यूटर में जैसे कभी कोई वायरस घुस जाता है और वो आपके प्रोग्राम को खराब कर देता है, तो वैसे ही प्रकृति ने, भगवान ने आपके शरीर में जो सेल्स बनाए हैं वो बड़ा परफेक्टली काम करते हैं। हर सेल को पता है उसकी प्रोग्रामिंग से कि उसको कितना लेवल पे डिवाइड होना है, कहां पर जाकर के वो डिविजन रुक जानी चाहिए। लेकिन कैंसर में क्या होता है कि कोई जैसे वायरस आकर के, वो जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, कैंसर का उनसे कारण पूछा गया, कहते हैं हमें नहीं पता कैंसर क्यों होता है, मुख्य रूप से आपके पेरेंट्स वगैरह के जीन्स वगैरह से ही आता है और कुछ थोड़े से कारण और हैं कि जैसे आजकल हम कुछ गलत खान पान इत्यादि करते हैं। तो उन्होंने कहा जब जीन्स में ये चीज आ जाती है तो सेल को ये नहीं पता लगता कि अब मुझे कब होकर के डिवाइड होकर के रुक जाना है, तो सेल्स बहुत ही तेज गति से मल्टीप्लाई करते हैं और वो ट्यूमर में, आप सब समझदार हैं कैसे कैंसर शरीर में फैल जाता है। अब उस कैंसर को ठीक करने के लिए सबके लिए एक तरीका नहीं है, कई स्टेजेस का कैंसर है, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज, वो समझा रहे थे कि थर्ड और फोर्थ स्टेज के बाद फिर कैंसर को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि फिर सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी रेडियोथेरेपी वो कई तरह की वो प्रणालियां बता रहे थे। तो हम उससे एक बात समझ सकते हैं कि हमारे को जो कैंसर हुआ है वो क्या है कि हमारे अंदर जैसे वहां उस जड़ीय कैंसर में क्या होता है कि कोई एक वायरस आकर के उसको खराब कर देता है सेल की प्रोग्रामिंग को, तो हम जो जीवात्माएं हैं हमारे अंदर क्या एक वायरस आ गया कि हम भगवान से स्वतंत्र होकर के जीना चाह रहे हैं, हम भगवान को छोड़ कर करके स्वयं इस दुनिया के मालिक बनना चाह रहे हैं। और इस वायरस को दूर करने के लिए क्या करेंगे, जब किसी को कैंसर हो जाता है वो क्या अपने मर्जी से आप कैंसर अपना ठीक कर लोगे? इस समय अगर सिर्फ साधारण जुकाम भी हो जाए ना हमें, हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि हम अपना जुकाम भी स्वयं ठीक कर ले, तो कैंसर तो बहुत दूर की बात है, उसके लिए डॉक्टर मेडिसिन हॉस्पिटल कितनी हेल्प चाहिए। तो वैसे ही जो इससे भी भयंकर कैंसर हम सब को लगा हुआ है संसार को भोगने का, उसको दूर करने के लिए जो डॉक्टर है वो कौन है?
गुरुदेव। तो गुरुदेव समय समय पे भगवान की कृपा से यहाँ आते हैं और उन्होंने हमें ये समझाया कि देखो तुम्हारे अंदर जो मुख्य बीमारी है वो क्या है, कि तुम भगवान को भूलना चाहते हो, तुम उनसे स्वतंत्र रह करके जीना चाहते हो। इसको गुरुदेव अपने प्रेम से उसको बहुत ध्यान से उसका पोषण करते हैं, हमें बढ़ाते हैं भक्ति में धीरे धीरे। और जैसी जिसकी स्टेज का कैंसर है, हम सब एक ही स्टेज के बीमार नहीं है। आज महाराज जी के पास जब हम आते हैं तो कोई महाराज जी के शिष्य ऐसे होंगे वो महाराज जी की बात को फटाफट कैच कर लेते हैं, और कोई जो नए नए बिगनर्स हैं उनको भी काफी समय लगेगा भक्ति में बातें समझने का। तो जैसी जिसकी स्टेज है वैसे गुरुदेव उस तरह का उसको ट्रीटमेंट देंगे। जिसको कीमोथेरेपी चाहिए उसको कीमोथेरेपी देंगे, जिसको ऑपरेशन करना है सर्जरी चाहिए उसको वैसी देंगे, जो मेडिसिन से ठीक हो सकता है वो मेडिसिन से ही ठीक हो जाएगा। तो ये गुरु की महत्ता होती है कि किस प्रकार से वो हमारे को इसके अंदर बढ़ा सकते हैं। तो समय बहुत हो गया है, बातें तो बहुत हैं, लेकिन ये मौका ऐसा होता है जिसमें अपने गुरु भाइयों से सुनना चाहिए। तो मैं इसलिए, मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं सुनने इसलिए नहीं बोलना चाह रहा था, मैं बाहर बैठा था, लेकिन महाराज जी ने देख लिया और बुला लिया, तो क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर जो इतने अच्छे अच्छे वक्ता आए हुए हैं उन सबके चरण कमलों में निवेदन है कि वो गुरुदेव की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाएं। हरे कृष्ण। गुरुवे गौरचंद्र कृष्णाय कृष्ण भक्ताय सद्भक्ताय नमो नमो विष्णु पादाय श्री रघुनाथ पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत वामन गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पादाय आचार्य सिंहारूपिणे श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी इति नामिने नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छय गोसाई करी चरण वंदन जाहिते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद साधे श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य का प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरसत श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर अभिन्न गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरसत श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरसत श्रीमद् भक्ति वेदांत शिला वामन गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में अनंत कोटि दंडत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरसत श्रीमद् भक्ति विज्ञान शिला भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। समस्त रूप गुरु परंपरा के श्री चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडत प्रणाम। सपार सपरी सिद्धांत सर उपस्थित पूज्यपाद श्री भक्ति विधान श्रीधर महाराज जी के चरणों में हमारे जीतू और समस्त ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा योग्य दंडवत प्रणाम। सबको सबसे पहला और सुनने की इच्छा है आप लोगों की? जी प्रभु जी प्रभु। हमारा यदि सुनने की इच्छा है तो कहते समय इसका अनुभव होगा कि आप किस भावना के साथ में और जिसको अंग्रेजी में कहते हैं अटेंटिवली, कितना आप गंभीरता पूर्वक उसको सुन रहे हैं। गंभीरता पूर्वक आप सुनने के उतनी गंभीर विषयों का परिवेशन करने की, कुछ जो गुरु पाद पद्म से हम लोगों ने सुना है उसको परिवेशन करने की
हम लोगों की भी कुछ इच्छा हो, इसलिए आपके चरणों में भी ये विनती है। बड़े धैर्य के साथ में आप लोग, हमने तो सुना, हम लोग ही देरी से आए हैं, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, किंतु प्रातःकाल से कार्यक्रम चल रहे थे। जो भी हो, धैर्यपूर्वक आप लोगों ने सुना है कुछ दो एक संस्मृति गुरु महाराज जी की। आज उनकी शुभ तिरोभाव तिथि है। तिरोभाव अर्थात विरह। दो क्षण के लिए इस तत्व को थोड़ा सा समझ लेंगे। बड़े सहज सरल शब्दों में बड़े 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 गूढ़ विषयों को महाराज जी ने सुना दिया, अन्य ने वक्ताओं के मुख से भी आप लोगों ने सुना। अब थोड़े समय के लिए अपने मन को अपने कानों पर थोड़ा सा बल दे दीजिए। इस तत्व नहीं समझेंगे तो वास्तव में ये विरह तिथि मनाना हमारा अधूरा रह जाएगा। ये विरह तिथि वास्तव में क्या है, हम क्यों, किस कारण से हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यह अधूरा रह जाएगा यदि इस तत्व को लेकर के नहीं जाएंगे हृदय में। आप लोगों ने सुना भक्तों के मुख से, आज श्री गुरुदेव का तिरुभाव है। आज के दिन उन्होंने अपनी अप्रकट लीला को प्रकाशित किया। आज उन भिन्न विग्रह श्री वामन गोस्वामी महाराज जी का, उन्हीं के सतीर्थ ज्येष्ठ गुरु भ्राता का आज शुभ आविर्भाव है। अर्थात एक गुरुपाद पद्म का आविर्भाव है, एक गुरुपाद पद्म का तिरुभाव है। हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, वर्ष 2009 में नवदीप धाम की परिक्रमा के समय में एक स्थान है, जो लोग नवदीप जा वहां राम जी रहने के लिए आए, सीता का एक में जहां श्री राम ने सीता जी को यह बतलाया कि मैं भावी भविष्य में मैं आविर्भूत होऊंगा, तुम रूप में आविर्भूत होगी, मैं तुमको छोड़कर वन में चला जाऊंगा और तुम तत्वों का वहां पर वर्णन होता था। तो महाराज जी ने संध्या के समय अपनी हरि कथा में ये बात कही, थोड़ा ध्यान पूर्वक देखे। दो बात है, दो बात हमारे गुरु महाराज जी कहते थे, यदि गुरु में गुरुत्व है, यदि वस्तु में गुरुत्व है, तो शिष्य की निष्ठा अवश्य होगी उनके प्रति, शिष्य की निष्ठा उनके प्रति अवश्य होगी। इसलिए हमारी यदि निष्ठा है गुरु के गुरुत्व के ऊपर, हमारी निष्ठा, निष्ठा का आधार क्या है, गुरु का गुरुत्व। तो जैसा भी सुन रहे थे, महंत गुरु का यह वैशिष्ट्य है कि वो जटिल से जटिल विषयों को भी साधारण से साधारण श्रोता के हृदय में भी प्रविष्ट करा था, इसको भी हम लोग सुनेंगे। इसलिए विषय जटिल होने पर भी यदि हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुने, केवल मनोरंजन के लिए नहीं, यदि कुछ श्रद्धा पूर्वक सुने तो वो जटिल विषय में भी प्रवेश होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जटिल विषय में प्रवेश ना हो। बहुत सारे लोग कहते हैं श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती स्वामी ठाकुर की भाषा उनका, किंतु हम तो क्या कहें, गुरु महाराज जी का ये वैशिष्ट्य था। वो इस बात को कहते थे कि यदि वास्तव में उसके भीतर में प्रवेश करोगे, ऐसा अनुभव होगा कि शिला प्रभुपाद जी जैसा सरल विचार वैशिष्ट है, गुरुत्वपूर्ण विचार वैशिष्ट है, और कहीं मिलेगा ही नहीं। इसलिए थोड़ा सा निष्ठा के साथ में, थोड़ा श्रद्धा के साथ में उस विषय को यदि समझेंगे, जटिल से जटिल विषय में भी प्रवेश होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम आत्मा हैं। हम वास्तव में क्या हैं? हम आत्मा। और अभी सुन, किस वस्तु के विषय में रहे हैं, तत्व के विषय में सुन रहे हैं, तो क्यों नहीं समझ में आएगा। किंतु यदि समझने की किंचित मात्र भी इच्छा हो, इच्छा नहीं है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर तो मन इधर है और उधर है। आत्मा यदि आत्म तत्व के विषय में सुनेगी, समझ में क्यों नहीं आएगा विषय, उसमें प्रवेश क्यों नहीं होगा, हो नहीं सकता विषय में प्रवेश ना हो। इसलिए कुछ यदि इच्छा लेकर के सुनेंगे, अवश्य विषय समझ में आएगा। गुरु महाराज जी कह रहे हैं, प्रेम के दो पक्ष हैं, दो पहलू हैं, प्रेम के दो पहलू हैं, एक है मिलन और एक है विरह। इस बात को समझेंगे, प्रेम के दो पक्ष हैं, एक मिलन है और दूसरा विरह है। गुरु महाराज जी कहते हैं, विरह और मिलन में विरह कोई भी नहीं चाहता। कोई चाहता है हमको विरह हो? कोई नहीं चाहता। किंतु गुरु जी कहते हैं, जब तक विरह नहीं होगा तब तक मिलन नहीं होगा। श्री रूप गोस्वामी पाद ने कहा, ना बिना विप्रलंबेन संभोगम पुष्टि मश्नुते, बिना विरह के मिलन नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, जब विरह होगा, विरह के पश्चात जब पुनः मिलन होगा, और मिलन के पश्चात जब पुनः विरह होगा, विरह के पश्चात जब पुनर्मिलन होगा, जैसे गोपियों को पूर्व अनुराग में होता है, जब विरह के पश्चात पुनः मिलन होगा
तब वास्तव में आनंद अत्यधिक बढ़ जाएगा। आविर्भाव और तिरोभाव का भी यही विशेष वैशिष्ट है। इस सिद्धांत को समझेंगे। श्रीमती राधिका प्रेम सरोवर के तट पर बैठी हैं, कृष्ण के अत्यंत निकट में, और मधुमंगल ने केवल इतना कह दिया कि मधुसूदन चला गया, मैंने मधुसूदन को भगा दिया। श्रीमती राधिका को कृष्ण से विरह हो गया, ऐसा उसको देख करके कृष्ण हुए कि नहीं। कृष्ण के अत्यंत निकट में केवल सुनने और जब कृष्ण अन्यत्र जाते हैं अथवा ब्रज गोपियों को छोड़कर मथुरा चले जाते हैं, जब कृष्ण की स्फूर्ति होती है, वो मेघों को देखती है, उनको कृष्ण की स्फूर्ति होती है। क्या समझ में आई बात? विरह में मिलन और मिलन में विरह, यही गौड़ीय सिद्धांत है। समझ में आई बात? विरह में मिलन, मिलन है, यही गौड़ीय सिद्धांत है। और इसी सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठत्व को, यही सिद्धांत सर्वोपरि है, के लिए महंत गुरु की महंत गुरु की तिरोभाव लीला है। आविर्भाव में तिरोभाव और तिरोभाव में आविर्भाव, विरह में मिलन और मिलन में विरह। ये महंत गुरु ने, हमारे गुरु पादपद्म ने उनके अभिन्न इसी विचार के, इसी सिद्धांत के सर्वश्रेष्ठत्व को अपनी इस विरह लीला और आविर्भाव लीला के रूप में हम लोगों के सामने स्थापित किया है। गुरु पादपद्म के विषय में हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, प्रातः काल से चर्चा चल रही है, अब तो समय बड़ा संक्षिप्त है। हम दो एक बात बतलाएं उनके विषय में। इन महापुरुष का चारित्रिक वैशिष्ट्य बड़ा अद्भुत था, उनके जीवन के बड़े सारे पक्ष हैं। जब हम उनके जीवन पर उनके कुछ अनुगत होकर, कुछ सेवोन्मुख होकर, कुछ उनके जीवन का अनुशीलन करने की चेष्टा करें, तो ये देखेंगे कि गुरु महाराज जी का एक बड़ा विशेष वैशिष्ट्य ये था कि उन्होंने समस्त पूर्वाचार्यों के विचार को क्रोड़ीभूत किया था, समस्त पूर्वाचार्यों के विचार को। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर मठ की स्थापना की, वो इस गौड़ीय मठ के क्या है, मूल संविधान करता। श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर इस गौड़ीय मठ के क्या है, मूल संविधान करता, अर्थात संविधान, सम्यक रूपेण विधान। सुना आप लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन जिसको कहते हैं, संविधान, संविधान अर्थात सम्यक रूपेण विधान, ठीक ठीक रूप में हमको ये करना है और हमको ये नहीं करना। तो गौड़ीय मठ का आदर्श क्या है, गौड़ीय मठ का सर्वोत्तम आदर्श क्या है, शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी ने बतलाया। राज्य का आदर्श भिन्न है, ज्ञानी राज्य का आदर्श भिन्न है, भक्ति राज्य का आदर्श क्या है, तृणादपि सुनिश्चिता। इस बात को हृदय में गांठ बांध करके रख लेना होगा। हम भक्ति राज्य में है, भक्ति राज्य का सर्वोत्तम आदर्श क्या है, ये तृणादपि सुनिश्चिता की योग्यता सुनिच भाव के द्वारा ज्ञापित तो होती है। इस भक्ति राज्य में कौन कितना उन्नत सुनिच है, वो उतने परिमाण में उन्नत है। उत्तम हैया वैष्णव हवे निराभिमान, जितने परिमाण में उन्नत है उतने परिमाण में क्या होंगे, निराभिमान होंगे। शिला प्रभु को गौड़ीय मठ का सर्वोत्तम आदर्श बतलाया, मूल आदर्श बतलाया है। जीवन की कितनी सारी घटनाओं को मैं दो आज संभव है आप लोगों ने पूर्व काल में भी श्रवण किया होगा, बहुत सारे नवीन नवीन विचार भी है, किंतु उन सबको कहने और सुनने के लिए समय चाहिए, कहने और सुनने के लिए। यदि निश्चिंत होकर के बैठेंगे, जैसे श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के विषय में सुनते, निश्चिंत होकर भजन किया करते थे, क्यों, किसी वस्तु की अपेक्षा ही नहीं है। तो यदि ऐसी निश्चिंतता हो, समय हो, तब इन विचारों को विस्तृत रूप से सुने, किंतु प्रयास करना चाहिए सुनने का। तो हम गुरु महाराज जी के जीवन की बात सुन रहे हैं, सर्वोत्तम पद पर अधिष्ठित होने पर भी उनके जीवन का कैसा विशेष वैशिष्ट्य था, वो किस प्रकार से इस तृणादपि सुनिच भाव में संपूर्ण रूप में प्रतिष्ठित थे, कैसा उनका अद्भुत आदर्श था। एक समय गुरु महाराज जी उनकी भजन कुटी है गिरिराज गोवर्धन में, और गुरु महाराज जी अपनी भजन कुटी के पीछे, जिन लोगों ने दर्शन किया होगा, पीछे गैलरी है, वहां पर गुरु महाराज जी धूप में बैठ जाया करते थे, और कार्तिक मास था, गुरु महाराज जी धूप में बैठे थे, सामने का द्वार बंद था, और बहुत सारे विदेशी भक्त लोग
घूम करके जिन लोगों ने दर्शन किया, पीछे गौशाला है, घूम करके गुरु महाराज जी का दूर से दर्शन कर रहे हैं। और गुरु महाराज जी के एक वरिष्ठ सेवक ने, हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी ने, पहले गुरु महाराज जी उनको दिखा रहे हैं, बंगला भाषा में कहते हैं, देखो वो लोग वहां से देख रहे हैं। तो गुरु महाराज जी कहते हैं, हमारे पूज्यपाद माधव महाराज जी ने कुछ हास परिहास करते हुए गुरु जी से कहा, ये सब आपका वैभव है। और वो कुछ दूर में खड़े थे, गुरु महाराज जी चेयर पर बैठे थे और उनके निकट में ही एक अन्य सेवक भी बैठा था। गुरु महाराज जी ने अपना मुख नीचे किया और बड़े धीमे शब्दों में एक बात कही, मेरा वैभव नहीं है, मेरे गुरुपाद पद्म का वैभव है। बड़े धीमे शब्दों में उन्होंने शब्द कहे, बंगला भाषा में, मेरा वैभव नहीं, गुरुपाद पद्म का वैभव है। वो इतने उन्नत पद पर अधिष्ठित होने पर भी उनके जीवन में एक ऐसी चारित्रिक सरलता थी कि उनके शिष्य ने, शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य हैं, गुरु जी के शिक्षा शिष्य हैं, उनसे एक समय में कथोपकथन में कुछ प्रश्न कर दिया कि शिष्य की गुरु के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए। गुरु जी ने उत्तर दिया, शिष्य तो गुरु को सदैव क्या समझेगा, उत्तम अधिकारी। शिष्य गुरु को क्या समझे, सदैव उत्तम अधिकारी। तो उन्होंने गुरु महाराज जी से कह दिया कि हमारा तो बड़ा सौभाग्य है कि हमको आपके जैसे गुरु मिल गए। तो गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, नहीं, मैं बद्ध जीव हूं। मैं क्या हूं, मैं बद्ध जीव हूं। तो उन्होंने प्रणाम करते हुए गुरु जी को कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। तो गुरु महाराज जी कहते, नहीं, मैं बद्ध जीव हूं। नो, आई डोंट वांट टू चीट यू। मैं क्या हूं, मैं बद्ध जीव हूं, मैं तुम्हारे साथ छल नहीं करना चाहता। गुरु महाराज जी एक समय थे जनकपुरी में, हमारे श्री रमन बिहारी गौड़ी सुन रहे थे गुरु जी को ये युगाचार्य की उपाधि प्रदान की। उनमें एक संत आते थे जो विश्व हिंदू परिषद के बड़े गणमान्य व्यक्ति थे, अब उनका दर्शन नहीं होता। गुरु जी के समय में प्राय आया करते थे गुरु जी के निकट में, और गुरु महाराज जी का जैसा वैशिष्ट्य था, वो सबको हरी कथा कहने के लिए कहते थे, उनको भी हरी कथा कहने के लिए कहा। और उन्होंने अपनी हरी कथा में गुरु जी की बड़ी महिमा का गुणगान किया और ये कह दिया कि ये तो साक्षात नारद जी हैं। जैसे नारद जी सारे जगत में भ्रमण करके भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं, ऐसे ही गुरु महाराज जी का नाम लेकर कहा, ये महाराज जी भी सारे जगत में भ्रमण करते हुए भगवान की कथाओं का प्रचार करते हैं। बड़ी गुरु जी की महिमा गाई। और जब गुरु महाराज जी के बोलने का अवसर आया, गुरु जी ने सबसे पहले कहां से आरंभ किया कि अभी आपने इनके मुख से मेरे विषय में जो कुछ सुना है वो तो अतिशोक्ति हो गई। अतिशोक्ति समझते हैं, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। गुरु जी कहते हैं, ये तो मेरे विषय में क्या हो गई, अतिशोक्ति हो गई। ये उनका त्रिणादपि सुनिष्ठा का आदर्श था। वो सर्वोत्तम पद पर अधिष्ठित होने पर भी उनके चरित्र में ऐसी एक मौलिक सरलता थी जो सबके हृदय को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में प्रभावित करती थी, स्पर्श करती थी। प्रत्येक व्यक्ति, ये उनका एक विशेष चारित्रिक वैशिष्ट्य था, प्रत्येक व्यक्ति उनके साथ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक संबंध का अनुभव करता था। ये किसी बद्ध जीव के पक्ष में संभव नहीं है। सर्व चित्त नारी आराधिते, सबके चित्त की आराधना करना, सबको प्रसन्न करना, ये बद्ध जीव के विषय में संभव नहीं है। ये केवल मात्र मुक्त महापुरुष के विषय में ही संभव है। प्रत्येक शिष्य के हृदय में उनके किसी ना किसी अनुभव की एक अमिट छाप है, किसी ना किसी अनुभव की। हमारे परम गुरु महाराज जी श्रीला प्रभुपाद जी के विषय में कहते थे कि जगत के लोग सिनेमा थिएटर देखने में उनको आनंद आता है। होता है तो जगत के लोग सिनेमा थिएटर देखने जाते हैं, उनको उसमें आनंद आता है। क्यों? जीव क्या है, अमृतस्य पुत्रा, जीव अमृत की संतान है, आनंद की संतान है। रसो वैसा रसम हेवायम लब्धवानंदी भवति, जीव आनंद की ही खोज में है सब समय। तो हमारे परम गुरु जी कहते हैं जागतिक लोग क्या करते हैं, वो सिनेमा थिएटर देखने जाते हैं, उनको उसमें आनंद मिलता है। किंतु शिला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर, उनको किसमें आनंद मिलता था, उनको हरी कथा कहने में आनंद मिलता था। परम गुरु जी कहते हैं हरी कथा कहने में इतने अधिक आनंदित होते थे कि 24 घंटे भी दिन के कम पड़ते थे उनके लिए, शिला प्रभुपाद जी के लिए हरी कथा कहने में 24 घंटे भी कम पड़ते थे। इसलिए उनके आश्रित जनों ने, उनके शिष्यों ने उनको एक उपाधि दी, गौरवाणी विग्रह। वो साक्षात गौरवाणी के क्या थे, विग्रह स्वरूप थे। गुरुपाद पद्म के जीवन में श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर का ये ऐसा अद्भुत आदर्श था, जैसा भी सुन रहे थे ना महाराज जी के मुख से, हरी कथा कहने में उनका ऐसा अद्भुत अनुराग था। हम लोग प्रातः काल से श्रवण कर रहे हैं, जब ये ऐसी विशेष तिथियां उपस्थित होती हरी कथा करते समय में लगभग फिर से बैठते हरी कथा पुष्पांजलि दिलवाते। और मैं उनकी कथा सुन रहा था,
श्रीला प्रभुपाद जी की तिरुभाव तिथि पर ही गुरु जी हरि कथा कह रहे हैं। और किनके समक्ष में हरि कथा कहते थे, किनके समक्ष में वो हरि कथा कहते थे? तो हम लोग सुन रहे थे किनके विषय में, किनके समक्ष वो हरि कथा कहते थे। ऐसा नहीं कि बहुत सारा, ये उनकी एक चारित्रिक सरलता थी। ऐसा नहीं कि बहुत विराट सभा होती थी, बड़े गणमान्य लोग आते थे। मथुरा के सामान्य नहीं है, मथुरावासी हैं, असामान्य ही है, बड़ा विशेष सौभाग्य है, उनके निकट में हरि कथा कहते। और हम सुन रहे थे गुरु महाराज जी की कथा में, 10 बजे का समय होता, लोग आते 12 बजे, तो गुरु महाराज जी उनसे कह रहे हैं तुम लोगों को समय दिया था 10 बजे का, और कितने बजे आ रहे हो? 12 बजे। तो तुम लोगों ने प्रभुपाद जी के विषय में कुछ नहीं सुना, अच्छा ठीक है, संध्या में 4 बजे के समय में फिर आ जाना, हम लोग फिर से हरि कथा सुनाएंगे। 4 बजे फिर हरि कथा कहने के लिए बैठते, रात्रि के समय फिर से हरि कथा कहते, अथवा किसी भक्त के घर में जाकर के हरि कथा कहते। हरि कथा कहने के लिए, कहने के प्रति उनका ऐसा एक अद्भुत अनुराग था जिसको देखकर साक्षात शिला प्रभुपाद जी की स्मृति होती। अब जब गुरु महाराज जी की कथाओं को सुन रहे हैं तब ऐसी स्मृति होती है। गुरुदेव का जो हार्ड में प्रॉब्लम हो गया, बोले भैया 10 मिनट से गुरुदेव ज्यादा हरि कथा नहीं होनी चाहिए, मना करते। महाराज सेवक थे, गुरुदेव को कथा में आवेश आता था, राम नाम गान त्रिपुरारी, आवेश रहते थे। तो गुरुदेव जब कथा सुना रहे थे, माधव महाराज को बोले 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। अभी बेल वज्रासन कर दिया, गुरुदेव तो बड़ा क्रोध आया, बोले क्यों बेल बजा रहे हो? बोले आपको डॉक्टर ने कहा 10 मिनट से ज्यादा नहीं बोलना। बोले अगर सारा जीवन जिंदा रहे, अगर हरि कथा नहीं बोला तो जिंदा रहने का कोई महत्व है? अगर हरि कथा बोलते बोलते अगर शरीर छूट जाए तब ये जीवन हमारी धन्य हो जाएगी। गुरुदेव है ना, ऐसे हरि कथा बोलने में गुरुदेव, इसलिए मैं जब पहले मथुरा में आया मैं तो देख देख कर दंग रह गया, हे भगवान यहाँ तो कथार की मंदाकिनी की नदी बह रही है, नदी बह रही है। जो गुरुदेव, आप कुछ मत पढ़ा करो, कुछ नहीं, केवल गुरुदेव जो कथा बोलते थे केवल थोड़ी सी ध्यान पूर्वक सुन लो बस। अगर कोई ध्यान पूर्वक सुनो ना, अभी मैं तो वृंदावन में रहता था, सारे गौड़िया मठ में जाता था, सबको मैं जानता हूँ, जाता था। लेकिन जब हम लोगों ने गुरुदेव से थोड़ी बहुत कथा सुनी, जब हम लोग कथा सुनाते थे ना, सब लोग आप फाड़ फाड़ कर देखते थे, हैं, इसलिए फाड़ फाड़ कर देखते थे। अगर वृंदावन में कोई सबसे बढ़िया कहीं कथा सुनाता होगा ना, अगर कोई बढ़िया कथा सुनाता होगा, उनको पता चलता था ये जरूर श्री नारायण महाराज से कथा सुना है, ये जरूर ये नारायण महाराज के संबंध में कहीं से ये कथा सुना है, नहीं तो उनके बगैर कोई इतने सुंदर कथा सुना ही नहीं सकता। हम लोग बच्चे थे, लेकिन जब मैं ब्रह्मचार्य था, जब जाता था, बड़े बड़े महाराज लोग आते थे, लेकिन जब हम गुरुदेव का जब कथा सुनाते थे, लोग आग फाड़ फाड़ करके, कान फाड़ फाड़ कर सुनते थे। ऐसे गुरुदेव की महिमा है, इसलिए गुरुदेव का अपार महिमा करते। गुरु महाराज जी का एक बड़ा विशेष चारित्रिक वैशिष्ट्य था, नवदीप परिक्रमाओं का, ब्रजमंडल परिक्रमाओं का वो स्वयं संचालन करते, ये उनकी दैनिक दिनचर्या थी। वो अपने मुख से कहा करते थे कि यदि भजन साधन करना है तो हमको गोस्वामियों के जैसा भजन साधन, गान करना प्रतिदिन। हमने वृद्ध अवस्था में भी देखा, उस समय शरीर से ही सही, उनके निकट में जब देखा उनको अत्यंत वृद्ध अवस्था में भी स्तव स्तुति,
अपना नाम भजन करना, ये तो वृद्ध काल की वृद्ध अवस्था की बात है। किंतु जब युवा अवस्था में थे, और वो भी बहुत युवा अवस्था नहीं, जब 60-70 वर्ष की अवस्था थी, नवदीप ब्रजमंडल परिक्रमाओं का स्वयं संचालन करते, प्रत्येक स्थान पर जाकर के वो हरि कथा कहते, और संध्या के समय में वो 4 बजे उस समय में इस्कॉन के बड़े बड़े जो अभी सब इस्कॉन के लीडर है, वो सब गुरु महाराज जी के निकट में आते हरि कथा सुनने के लिए, और 4 बजे से गुरु महाराज जी उनके निकट में बैठकर हरि कथा कहते, और फिर नाट्य मंदिर में जाते और फिर वहां जाकर के हरि कथा कहते, उसके पश्चात प्रसाद पर्यवेक्षण करने जाते, प्रसाद सबको ठीक से मिल रहा है कि नहीं, सेवकों को सेवा निर्देश देते, और सेवकों को सेवा निर्देश के साथ साथ जितने लोग परिक्रमा में आए हैं सबकी सुख सुविधा का वो व्यक्तिगत रूप से जाकर के संज्ञान लेते। ये उनका अद्भुत एक उनकी साधन की उनकी अद्भुत एक रीति थी। इस सब के बीच में भी उनका अपना जो निज भजन साधन था उसमें कभी किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हुआ। गुरु महाराज जी से किसी ने विदेश में प्रश्न किया कि जब उत्सव होते हैं तो हम इतने व्यस्त रह जाते हैं कि हमको हरिनाम करने का सुयोग नहीं मिलता, तो गुरु महाराज जी ने उत्तर दिया, मैं कैसे करता हूँ, मुझको देखो, मैं प्रातः काल अपना नाम भजन पूरा कर लेता हूँ और उसके पश्चात सारा दिन प्रचार करता हूँ, मुझको देखो मैं कैसा करता हूँ। तो स्वयं आचरण करके दिखलाया। ये हरि कथा कहने के प्रति उनका ऐसा विशेष अनुराग था, और उनकी हरि कथा की एक बड़ी विशेष वैशिष्ट्य था उनकी हरि कथा का, जैसा भी प्रभु जी बतला रहे थे ना, उनकी हरि कथा का एक बड़ा अद्भुत वैशिष्ट्य था। वो जब श्रीमती राधिका की महिमा जैसे एक सर्वोत्तम विषय को भी जब वो जन सामान्य के सामने, साधारण श्रोताओं के सामने भी कहते, श्रीमती राधिका जी की महिमा कह रहे हैं सामान्य श्रोताओं के सामने, उस समय भी उनकी भाषा इतनी मार्जित, इतनी मर्यादित, इतनी सुव्यवस्थित होती थी कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय को भी वो इतनी मार्जित भाषा में कहते थे कि सभी लोगों को उस विषय में सहज सरल रूप में सभी लोगों का प्रवेश हो जाता था। इतने गंभीर रूप विषयों को भी वो इतने सहज सरल रूप में जन साधारण के बीच में भी उसका परिवेशन कर दिया करते थे। ये उनकी हरि कथा कहने का एक वैशिष्ट्य था, ऐसी उनकी भाषा शैली थी। हम प्रातः काल भी सुन रहे थे नवदीप धाम में श्री राधा कुंड के तट पर गुरु महाराज जी हरि कथा कह रहे हैं, और त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज जी के साथ उनका कभी तर्क चला करता था। वो कृष्ण की महिमा का गुणगान किया करते, कृष्ण के सर्वश्रेष्ठत्व को स्थापित करते, और गुरु जी श्रीमती राधिका के सर्वश्रेष्ठत्व को स्थापित करते। तो गुरु जी ने राधा कुंड के तट पर अद्भुत सुसिद्धांतपूर्ण रसमय श्रीमती राधिका की और श्री राधा कुंड की महिमा का गुणगान किया, अद्भुत। और उसके पश्चात में अंत में गुरु जी क्या कहते हैं कि श्री वेद व्यास जी ने श्री जयदेव गोस्वामी इत्यादि जो हमारे पूर्व आचार्य हुए हैं, इन्होंने श्रीमती राधिका की महिमा को छुपाने के लिए, राधा जी की जो महिमा उसको छुपाने की बड़ी चेष्टा की कि कोई अनाधिकारी व्यक्ति उसमें प्रवेश ना कर ले। तो गुरु जी कहते बड़ी चेष्टा की उन्होंने, किंतु क्या अग्नि को कोई वस्त्र से छुपा सकता है, क्या कोई अग्नि को वस्त्र से छुपा सकेगा। बड़ी चेष्टा की इन्होंने, जयदेव गोस्वामी जी ने गीत गोविंद में श्रीमती राधिका की महिमा को छुपाने की चेष्टा की, तो कृष्ण ने स्वयं लिख दिया करके स्मरणम देही में पद पल्लवम उदारम। कृष्ण राधा जी के चरणों में गिरकर प्रार्थना कर रहे हैं, आप अपना मान भंग कर दीजिए, मैं अपने मस्तक को आपके चरणों में देता हूं, ऐसे विचार सुनाते थे। और जब ये बात कही, साधारण जनमानस भी ऐसे आनंद में झूम उठा कि और हरि कथा ही नहीं हो सकी, लोग ऐसे आनंदित हो गए। तो ये उनका एक विशेष वैशिष्ट्य था उनकी हरि कथा कहने का, उनकी भाषा शैली का, इतनी मार्जित भाषा में, इतनी सुव्यवस्थित भाषा में वो इतने गुरुत्वपूर्ण विषयों को भी इस प्रकार से सहज सरल रूप में उनका परिवेशन करते थे, सामान्य लोग भी उसमें प्रविष्ट हो जाते थे। हम लोग सुन रहे थे शिला प्रभुपाद जी की महिमा, शिला प्रभुपाद जी ने ये दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव, दुष्ट मन तुम किस प्रकार के वैष्णव हो, तुम प्रतिष्ठा के लिए निर्जन में भजन करने की चेष्टा करते हो, ये कीर्तन लिखा प्रभुपाद जी ने। जिन लोगों ने सुना होगा वो अवगत होंगे, वो जानते होंगे कीर्तन कहाँ से आरंभ किया और कहाँ पर लाकर प्रभुपाद जी ने समाप्त किया है, राधा दास से रही, राधा दास से रही। ये राधा दास से क्या है, श्रीमती राधिका के इस दास भाव को प्राप्त करना, ये हमारे साधन भजन का सर्वोत्तम मूल और एकमात्र लक्ष्य है। ये शिला प्रभुपाद जी ने लक्ष्य निर्धारित कर दिया। हम गौड़ीय वैष्णवों का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है, श्रीमती राधिका की उस अद्भुत महिमा को जानकर सुनकर श्रीमती राधिका जी के दास्य को प्राप्त करने के लिए साधन करना, ये हमारे साधन भजन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। गुरुपाद पद्म ने शिला प्रभुपाद जी की इसी विचारधारा को, उनके इसी मनोभिष्ट को
सारा जीवन अपने हृदय में धारण करके, ये साधारण बात नहीं है, ये साधारण बात नहीं है। गुरु जी का बड़ा विशेष वैशिष्ट्य है, एक एक आश्रित व्यक्ति के हृदय में उन्होंने इस बीज का रोपण किया है। एक एक आश्रित व्यक्ति के हृदय में उन्होंने विदेश में कभी ये बात कही अपनी हरि कथा में, ये सामान्य बात नहीं है। केवल इस बीज का रोपण कर देना भी, सर्वोत्तम वस्तु का अनुसंधान देना कि हमारे साधन भजन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या है। श्रीला प्रभुपाद जी कहा करते थे, आवर गोल मस्ट बी सेटल्ड फर्स्ट। हम साधन भजन तो कर रहे हैं किंतु हमारा लक्ष्य जो है वो सबसे पहले निर्धारित होना चाहिए। इसलिए उन्होंने लक्ष्य बतला दिया, राधा दास्य रही। ये श्रीमती राधिका जी का दास्य भाव ही क्या है, हमारे साधन भजन का सर्वोत्तम लक्ष्य। और गुरु महाराज जी ने कितने सहज सरल रूप में एक एक शिष्य, एक एक आश्रित अनाश्रित व्यक्ति के हृदय में इस बीज का रोपण किया। कभी उन्होंने विदेश में अपनी हरिकथा में इस बात को कहा बड़े स्पष्ट रूप में। गुरु महाराज जी कहते, जो लोग भी मेरे निकट में आए, उनके शब्द थे, जो लोग भी मेरे निकट में आए हैं मैंने उनको एक बड़ा पावरफुल इंजेक्शन दिया है। गुरु जी कह रहे हैं, जो भी मेरे निकट में आया मैंने उनको एक बड़ा पावरफुल इंजेक्शन दिया है, वो उनको राधा दास्य तक लेकर जाएगा। ये गुरु महाराज जी का वैशिष्ट्य था। वैशिष्ट्य था इस सर्वोत्तम वस्तु को इतने सहज सरल रूप में उन्होंने बीज के रूप में सब आश्रित अनाश्रित जीवों के हृदय में दिया। ये उनकी महावदान्यता का एक सर्वोत्तम परिचय है। हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद के विषय में सुनते हैं, श्री रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी का स्तव कर रहे हैं। अनर्पित चरिम चिरात करुणा अवतीर्ण कलौ समर्पय तुम उन्नत उज्ज्वल रसाम सो भक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर धुधि कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वा सचिनंदना। ये श्लोक सुना होगा सबने, प्राय सुना होगा लगभग सभी ने। इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी पाद श्री चैतन्य महाप्रभु जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? अरे महाप्रभु जी, आप उस अनर्पित चरिम चिरात, जो प्रेम चिराद दत्तम निज गुप्त वित्तम स्वप्रेम नामा मृत मत्युदारा आप आमरम यो वितार गौरा कृष्णो जने व्यस्तम हम प्रपद्दे। महाप्रभु जी जगत में क्यों आए? उस अनर्पित चरिम चिरात, जो चिरकाल से जो प्रेम नहीं दिया गया उस प्रेम को देने के लिए जगत में आए। तो श्री गोस्वामी पाद क्या प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे सचिनंदन गौर हरि स्फुरतु वा। स्फुरतु वा अर्थात ये वा शब्द जो है ये बहुवचन है। श्री गोस्वामी पाद की दया देखिए। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के भक्तों के विषय में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री कृष्ण वदान्य है, श्री चैतन्य महाप्रभु महावदान्य है, और श्री चैतन्य देव के जो भक्त है वो महा महावदान्य है। श्री चैतन्य देव के जो भक्त हैं वो महा महावदान्य है। ये उनकी महा महावदान्यता का परिचय है। श्री रूप गोस्वामी पाद सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, स्फुरतु वा सचिनंदना, केवल मेरे हृदय में नहीं सबके हृदय में वो सचिनंदन महाप्रभु जी स्फुरित हो जाए, ये मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। ये गुरु पाद पद्म का विशेष वैशिष्ट था। उन्होंने अपनी हरि कथा में एक समय बात कही बड़े स्पष्ट शब्दों में। गुरु जी कहते हैं कार्तिक में अंतिम दिवस गुरु महाराज जी ने अपनी हरि कथा में बात कही। देखिए, इन विचारों की छाप यदि हृदय में लेकर नहीं जाएंगे ना, तो वास्तव में विदाई तिथि मनाना, आविर्भाव तिथि मनाना केवल औपचारिकता रह जाएगी, केवल औपचारिकता। ये छाप लेकर के जाएं अपने हृदय में हम कुछ, ये विदाई तिथि मनाने के लिए हम क्यों आए हैं, ये विदाई तिथि या आविर्भाव तिथि का मूल तात्पर्य क्या है। हम लोग सुन रहे थे गुरु महाराज जी ने श्री स्वामी महाराज जी की तिथि पर इस कौन में 1993 में गुरु श्री स्वामी महाराज जी की तिरुभाव तिथि पर ये बात कही कि विरह तिथि का तात्पर्य क्या है। विरह तिथि का तात्पर्य है कि जिनकी आज विरह तिथि है उन्होंने अपने आराध्य की सेवा में जिस प्रकार से अपने जीवन को उत्सर्ग किया है, उनके उन सब आदर्शों को हम लोग श्रवण करें और उसमें प्रतिष्ठित होने की चेष्टा करें, यह विरह तिथि को मनाने का मूल तात्पर्य है। तो कोई औपचारिकता वश नहीं, हम हृदय में कुछ छाप लेकर के जाएंगे। श्री रूप गोस्वामी पाद प्रार्थना कर रहे हैं सबके हृदय में महाप्रभु जी स्फुरित हो जाए। केवल अपने लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की, वो सब जीवों पर दया कर रहे हैं, वो सब जीवों का मंगल चाहते हैं। गुरु महाराज जी ने अपनी हरि कथा में इसी बात को कहा। यही उनकी महा महावदान्यता का परिचय है, यही उनके परोपकार का परिचय है। उन्होंने सब सबके समक्ष इस बात को कहा, मेरे हृदय में जो कुछ है, ये एक एक शब्द हृदय में पिरो कर रखने वाला है उनका। उन्होंने कहा इस बात को, मेरे हृदय में जो कुछ है मैं वो सब तुमको देना चाहता हूं, मेरे हृदय में जो कुछ है मैं वो सब तुमको देना चाहता हूं, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम उसको किस प्रकार लेना चाहते हो। ये उनके शब्द थे। वो उस इतनी उन्नत ब्रज प्रेम को लेकर के आए थे, उस वस्तु को लेकर के आए थे देने के लिए, और कह रहे हैं अपने मुख से, मेरे हृदय में जो कुछ है मैं वो सब कुछ तुमको देना चाहता हूं, किंतु ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम किस प्रकार उसको लेना चाहते हो। बड़ा अद्भुत उनका वैशिष्ट्य। अभी समय हो चला है, मैं बस एक बात कहना चाहता हूं। श्री स्वामी महाराज जी के एक शिष्य ने, हमने प्रातः काल भी सुना, श्री स्वामी महाराज जी के एक शिष्य ने
हमारे गुरु महाराज जी से कभी प्रश्न किया कि मैं अपने गुरु पाद पद्म के ऋण से किस प्रकार उऋण हो सकता हूं। समझना बात को, सुनना, बड़े भाव भीने शब्द हैं गुरु महाराज जी के। अंततः इस छाप को भी यदि ले जाएंगे, हमारी तिथि मनाना हमारा सफल हो जाएगा। शिला स्वामी महाराज जी के शिष्य ने गुरु जी से पूछा, मैं अपने गुरु पाद पद्म के ऋण से किस प्रकार उऋण हो सकता हूं, किस प्रकार उनके ऋण को मैं चुका सकता हूं। यद्यपि गुरु महाराज जी कहते थे, श्री गुरु के ऋण से शिष्य कभी भी उऋण नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। गुरु महाराज जी कहते थे, उस उऋण होने का तो कोई प्रश्न नहीं होता, प्रश्न ही नहीं उठता। यदि कुछ कर सकते हो गुरु के लिए तो क्या करो। श्री गुरु जिस वस्तु को दे रहे हैं उसको अपने हृदय में धारण करो, उसको अपने हृदय में धारण करो, उसको आचरण में लेकर आओ और योग्य पात्र को उसको बांटो, तब कुछ गुरु की सेवा हो सकती है। किंतु पहले हृदय में धारण करो, उसको आचरण में लाओ और जब योग्य पात्र मिले तो उसको बांटो। तो शिष्य कभी उऋण नहीं हो सकता। किंतु गुरु महाराज जी ने बड़े भाव भीने शब्दों में उत्तर दिया। उन्होंने प्रश्न किया कि मैं अपने गुरु पाद पद्म के ऋण से कैसे उऋण हो सकता हूं। गुरु जी प्रातःकालीन भ्रमण कर रहे थे, एक क्षण के लिए रुक गए। गुरु जी ने उत्तर दिया, दो आंसू। क्या कहा? दो आंसू, केवल दो अश्रु। यदि वो कृतज्ञता के, यदि वो भावना के साथ में, केवल वो वास्तविक रूप में, कपटता नहीं कि कुछ हरि कथा कहते समय अथवा कुछ इस प्रकार की कोई तिथि हुई तो गुरु महाराज जी कहते थे कभी कुछ विरह हो जाएगा तो एक दो अश्रु हमारे नेत्रों में आ जाएंगे। ऐसा नहीं कि स्वाभाविक है, स्वाभाविक है ये भी उचित है, किंतु गुरु महाराज जी कहते थे ये निरंतर हो, निष्कपट रूप से हो। तो गुरु जी कहते दो आंसू, यदि केवल कृतज्ञता के साथ में, उन्होंने हमको क्या वस्तु दान की है इसके साथ में, उन्होंने हमारा क्या उपकार किया है, क्या मंगल विधान किया है, वो मेरे एकमात्र मंगल करता है, श्री गुरु के अतिरिक्त इस जगत में मेरा और कोई नहीं है, तब निज जन परम बांधव संसार कारागारे। इस भावना के साथ में यदि श्री गुरु के चरणों में दो अश्रु भी अर्पित कर दिए जाए वास्तविक रूप में, निष्कपट रूप में, तो श्री गुरु पाद पद्म उससे ही संतुष्ट होने वाले हैं। ऐसा आदर्श लेकर के वो आए, ऐसी वस्तु को लेकर के वो आए। ऐसा ही शिला वामन गोस्वामी महाराज जी का भी अद्भुत चरित्र है। समय की बड़ी सीमा है, समय समाप्त हो चला है। हम लोग उनके चरणों में बस इसी प्रार्थना के साथ में, ये उन्होंने अपनी भाषा में ही हमको सिखलाया है कि गुरु के निकट में जाओ तो क्या प्रार्थना करो। उन्होंने परम गुरु जी की तिथि पर इस बात को कहा कि मैंने अपने गुरुदेव से प्रार्थना की थी। हमको सिखलाया उन्होंने कि आपके हृदय की जो संपत्ति है आप वो संपत्ति हमको देना, आप हमारी वंचना मत कर देना, उसके अतिरिक्त हमको और कुछ भी नहीं चाहिए। तो श्री गुरु के निकट में उनकी तिथि आज तो बड़ी विशेष तिथि है। आज करुणा की एक वर्षा हो रही है। गुरु महाराज जी परम गुरु जी की तिथि के विषय में कह रहे हैं कि जो इस तिथि के साथ में किसी प्रकार से भी संबंध युक्त हुआ है, प्रसाद पाया, हरि कथा श्रवण की, किसी प्रकार से भी योगदान किया इस तिथि में, परम गुरु जी की क्या थी? अद्भुत गुरु निष्ठा थी। तो अरे शांत हो जाओ। परम गुरु महाराज जी के विषय में गुरु जी कह रहे हैं कि जी इस तिथि के साथ में जो किसी प्रकार से भी संबंध युक्त हुआ है उनको गुरु निष्ठा हो जाएगी। जो परम गुरु जी की तिथि में किसी प्रकार से भी संबंध युक्त हुआ है, तो हम लोग किसी प्रकार से भी संबंध युक्त हुए हैं तो कहीं ना कहीं से तो उनकी करुणा का कुछ एक कण हमको प्राप्त होगा। उनके चरणों में हमारा यही निवेदन, यही प्रार्थना हो, जिस वस्तु को देने के लिए आप हमको आए, हम बड़े अनर्थग्रस्त जीव है, मेरे जैसा व्यक्ति बड़े अनर्थ है हमारे, किसी प्रकार से हम योग्य बन सके आपकी उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए, यही आपके श्री चरणों में हमारी पुनः पुनः प्रार्थना है। वांछा कल्पतरु भेष्य कृपा सिंधु। हाँ हरे कृष्णा। जो गुरु जी की जो गुरु निष्ठा उन्होंने बताया ना, देखो एक समय जब भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज संन्यास देना चाह रहे थे, मतलब तीन व्यक्ति को उन्होंने चुना, श्रील भक्तिवेदांत ब्राह्मण गोस्वामी महाराज, त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज और हमारी गुरु जी को, बोले ये तीनों को मैं संन्यास दूंगा। लेकिन जब ब्राह्मण गोस्वामी त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज को बोले, बोले भैया हम तो संन्यास लेने का योग्य है ही नहीं, क्योंकि हमने देखा श्रील प्रभुपाद के शिष्यों को देखा क्या धुरंधर है, कितने शास्त्र में वो पारंगत, इनको अंदर में क्या दिव्य योग्यता हमने खुद देखा है, इसलिए भैया हम तो सन्यासी बन ही नहीं सकते, हम सन्यासी ग्रहण नहीं करेंगे। फिर उन्होंने हमारे भक्ति में दास नारायण गोस्वामी महाराज को पूछे, बोले तुम क्या बोलते हो, देखो इनकी कितना गुरु निष्ठा देखो। बोले गुरुदेव जब मैंने घर छोड़ करके आपका श्री चरण में आया, मेरी पत्नी का प्रति जो प्रेम थी, पिताजी का प्रति जो प्रेम थी, माताजी का प्रेम प्रति जो प्रेम थी,
मेरे बच्चों का जो प्रेम थी सारे प्रेम को मैंने एकत्रित करके आपका श्री चरण में मैंने दे दिया। अगर आप मेरे को संन्यास देकर रखना चाहते हो रखो, अगर मेरे को ब्रह्मचारी देकर रखना हो तो रखो, अगर मेरे को सफेद कपड़ा देकर रखना हो तो रखो, हैं? अगर मेरे को नंगे रखना तो रखो, आप जैसे चाहोगे मैं वैसे ही रहूंगा, क्योंकि मैंने सारे प्रेम का आपका श्री चरण में दिया। इसको सुन करके भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज हृदय तो गदगद हो गया। सचमुच से ऐसे ही गुरु निष्ठा होनी चाहिए। जब ये बात को त्रिविक्रम गोस्वामी महाराज बामन गोस्वामी महाराज सुने ना, नहीं नारायण महाराज संन्यास ले, तो ठीक है हम भी अभी संन्यास लेंगे। मतलब उनकी जो गुरु निष्ठा है ना, इसलिए इनका जो सर्वप्रथम उपदेश है, गुरु निष्ठा ही भक्ति जगत का बैकबोन है, यही रीढ़ है। अगर नीम सही नहीं हो ना भैया, फिर तुम कैसे मंजिल कैसे उठा सकते हो। मतलब गुरु जी के प्रति इनका जो निष्ठा है, एक बार श्री रहे थे, बोले जानते हो इनका विश्व ब्रह्मांड में इतना नाम प्रचार क्यों हुआ है? वो कह रहे थे, जानते हो इनका इतना जगत में सारे विश्व में विजय कार्य कैसे हुई? लेकिन बोले एक कारण है, इनके गुरुदेव का प्रति इनका जो निष्ठा था हम लोगों ने देखा है, जो गुरु निष्ठा, ये गुरु निष्ठा वजह से सारा दुनिया में, इसलिए युक्तिविक्रम महाराज ये बात हमें बताए थे। इसलिए गुरु निष्ठा भक्ति जगत का बड़े एक रीढ़ है, इसलिए हम इनसे सीखा। अभी हमारे बीच में श्री माधव प्रिय प्रभु बड़े कष्ट होने पर भी सवेरे से प्रभु जी प्रोग्राम कर रहे थे, बहुत कष्ट होने पर भी प्रभु जी कृपा करके आए हैं, प्रभु जी बहुत कृपा करके आए हैं हम सबके ऊपर में। गाड़ी हटवानी है इसलिए एक गाड़ी का नंबर है UP 160807, जिसके भी हो कृपा करके उसको साइड लगा ले। हम लोग माधव प्रिय प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा। इन्होंने इन्होंने गुरुदेव का बड़ी सेवा किया। इन्होंने सिद्धार्थ महाराज और अपना गुरु जी भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज, उसके बाद भक्ति विज्ञान इसलिए भारती गोस्वामी महाराज, सब गुरु वर्ग को किए खड़े। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि समय बहुत, बाहर हमारे भक्त लोग भी ठंड में बैठे हुए हैं और जीत प्रभु भी, उन्होंने और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है, समय बहुत अधिक हो गया है उनके लिए भी, रात को कम से कम एक तो उनको बजेगा, और इसीलिए मैं सिर्फ 2 मिनट लेते लेऊंगा। महाराज जी ने जिस प्रकार से आदेश किया, गुरुदेव की महिमा तो अनंत है, आप लोगों ने अभी बहुत सारे वक्ताओं से श्रवण भी किया है। साधारण जगत में किसी एक कवि ने इस प्रकार से वर्णन किया है कि यदि सारी पृथ्वी को मैं कागज बना लूं और जितने वृक्ष हैं इस जगत के अगर उन सबको कलम बना लूं, और समुद्र हैं जो उनको यदि मैं स्याही भी बना लूं, उस स्याही के द्वारा कलम के द्वारा मैं कागज पर गुरु की महिमा जितनी भी क्यों ना लिखता जाऊं, गुरु गुण कहा ना जाए, गुरु की महिमा को वास्तविक रूप में वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत देव भी उसी बात को ही बोलते हैं, सभी वैष्णव जन इसी बात को बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री हरिदास ठाकुर के निर्जाण पर जब उन्होंने इस जगत से अपनी लीला संवरण की, तब श्री हरिदास ठाकुर के विषय में महाप्रभु ने कहा, हरिदास आचिला पृथ्वीर शिरोमणि ताहा बिना रत्न शून्य। हरिदास ठाकुर जो है इस जगत में इस पृथ्वी के एक रत्न स्वरूप, और उनके इस जगत से जाने पर इसलिए में हमारे गुरुपाद पद्म जैसे वैष्णव लोग जो हैं, इनके लिए ही शास्त्रों में बताया, ठाकुर वैष्णव पद अवनीर सुसंपद सुनो भाई भैया एक मन। ठाकुर हैं वो इस पृथ्वी के सबसे बड़ी अवनिर सुसंपद, सबसे अधिक बड़ी संपत्ति जो है वास्तविक रूप में वो वही है,
त्रिभुवन में ब्रह्मा लोक तक भी उनकी कितनी भी वस्तुएं कैसी भी क्यों ना हो इनके साथ में उनकी तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए गुरुदेव शिक्षा देते थे कि सदैव साधु संग करना, सदैव साधु संग करना। कहीं पर भी जाओ, हमारे श्रीपद रामचंद्र प्रभु जी के माध्यम से उन्होंने हमें सिखलाया कि कहीं पर भी क्यों नहीं जाओ, कोई भी प्रार्थना और करने की आवश्यकता नहीं, केवल एक ही प्रार्थना करना कि मुझे सदैव रसिक भावुक वैष्णवों का संग प्राप्त हो। भगवान से भी यही प्रार्थना करना, धाम से भी यही प्रार्थना करना, वैष्णवों से भी यही प्रार्थना करना। इसीलिए हम लोगों का ऐसा जो गुरुपाद पद्म जिन्होंने ये वचन हम लोगों को कहे, इसी वो वचन सुनने के लिए भी हम लोगों को जो मिले उसी में अपना परम सौभाग्य ही प्रतीत होता है। धनभाग हमें गुरु, हम लोगों को वास्तविक जो हमारे नित्य मंगल के उपदेश हैं केवल वही उपदेश ही प्रदान किए हैं। इसीलिए जो वैष्णव जन हम लोगों को इस जगत में कृपा करके स्नेह करते हैं, हमारे सब प्रकार की लालन पालन करने का सब प्रकार से प्रयास करते हैं, हम लोग उन सभी वैष्णवों के चरण कमलों में सदैव एक बालक की भांति ऋणी बन करके उनके कृपा स्नेह के भाजन बने रहे, यही मेरी स्थिति के समय में प्रार्थना है। श्रील गुरुदेव के जो विचार बहुत उच्च हैं, उनका जिस प्रकार से कमल प्रभु कथा कर रहे थे कि किस प्रकार से बालकों के साथ में भी वो इंट्रैक्शन करते थे, उसके विषय में मेरे को स्मरण आ रहा था कि हमारे तीर्थ महाराज जी श्रीपाद भक्ति वेदांत तीर्थ महाराज जी वो बताते हैं कि कैसे मैं जब आया था मठ में, कितना छोटा बच्चा था, कैसे मेरे को गुरुदेव खिलाते थे, कैसे अपने आप कहते थे उठ जाओ, चलो अभी सो जाओ, और कभी कभी क्या होता था अपने हाथ से ही हमारे को धोती पहना देते थे। किस किस प्रकार से उन्होंने पालन किया सभी का, किसी किसी के क्या, जैसे माँ अपने बच्चे के पीछे शासन करते हुए उसके पीछे दौड़ लगाती है, उसी प्रकार से गुरुदेव भी क्या करते थे, दौड़ लगाते थे। जो ब्रह्मचारी हैं वो आगे दौड़ रहे हैं, गुरुदेव उसको पकड़ने के लिए पीछे दौड़ रहे हैं, उसको पकड़ेंगे और उसको क्या करते हैं, बच्चे शरारती होते हैं, जैसे कोई एक ब्रह्मचारी उसने क्या किया, अपने आप को बाथरूम में ही बंद कर लिया, गुरुदेव पीछे थे वो भाग रहे हैं और वो आगे जाकर के उसने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया। अब गुरुदेव ने क्या कहा उसको कि देख मेरे पास ताकत बहुत है, मैं दरवाजा तोड़ सकता हूँ, अगर बाहर निकलेगा तो बहुत अच्छा। इस प्रकार से कैसे कैसे पालन करते थे बालकों का। एक ब्रह्मचारी अपने विषय में बतला रहे थे कि मैं एक दिन मंगल आरती में नहीं उठा, सर्दी का समय रजाई में सोया हुआ था, तो अभी गुरुदेव जो है मंगल आरती में सबको देखते थे कौन आया कौन नहीं आया, कथा में भी सबको देखते थे। उन्होंने मंगल आरती के बाद में सीधा उसी कमरे में गए जहां वो ब्रह्मचारी सोया हुआ था और जाकर के क्या किया, उसकी रजाई के ऊपर जाकर के पैर से मारा, लात मारी उस पे, खड़ा हो अभी तक भी सो रहा है। तो वो उठ गया, प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना की। अगले दिन क्या किया, ब्रह्मचारी तेज है, गुरुदेव के साथ में किस प्रकार का व्यवहार जैसे माता पिता के साथ में घर में होता है, उसने क्या किया, उठ तो गया मंगल आरती से पहले, रजाई को ऐसे सजा दिया जैसे कि सोया हुआ है, मंगल आरती में भी गया किंतु ऐसे छिप करके खड़ा हो गया जिससे कि गुरुदेव को दिखाई ना दे। अब गुरुदेव कल की तरह फिर उन्होंने आज भी वही किया कि मंगल आरती के बाद सीधा उसके कमरे में गए, और अब उसको गुरुदेव को नहीं पता कि वो भी पीछे पीछे धीरे से आ रहा है। गुरुदेव ने जा करके अच्छे से वहां पर रजाई पेटा फिर से लात जब मारी तो फिर तो वो तो अंदर चली गई एकदम से, रजाई तो कोई है ही नहीं उसके अंदर, तो गुरुदेव ने अपने टांग को पकड़ा तो कहता आज मजा आया। तो अब इस प्रकार का जो गुरुदेव शासन करते थे, इसलिए करते थे क्योंकि उनका स्नेह थे, इसलिए स्वीकार करते थे क्योंकि वो इतना अधिक स्नेह प्रदान करते थे कि ऐसा प्रतीत होता था कि यही मेरे सब कुछ है, इनके अतिरिक्त और किसी वस्तु की आवश्यकता भी अनुभव नहीं करते थे। इसीलिए
उनका व्यक्तित्व जो है एक ओर कैसा था, हिमालय की चोटियों से भी बहुत ऊंचा था और दूसरी ओर समुद्र की गहराइयों से भी बहुत गहरा था। इसको किस प्रकार से भाषाओं में व्यक्त किया जाए उसको भाषा से बोलना असंभव है। यहाँ पर आप लोगों ने बहुत सारी कथाएं श्रवण की, मैं यहीं पर ही कथा को विश्राम देता हूँ। आप सभी लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, हमारे ऊपर कृपा करना सभी लोग कि हम लोग गुरुदेव के उपदेशों का पालन कर पाए, सारा जीवन साधु संघ में रह करके सेवा कर। मैंने मंगलाचरण भी नहीं किया, क्षमा चाहता हूँ। ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन बाबा डबल डबल माला कृष्णपादाय केशप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत शील वामन गोस्वामी कल्पतरुभस्य कृपा सिंधु पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुपाद पद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत शील नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और नित्य लीला प्रविष्टम विष्णु पाद स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, उनके भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद समस्त गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में आसीन पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे पूज्यपाद श्री माधवप्रिय गुरु जी के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ और जितने भी भक्त लोग आए, पूज्यपाद संजय प्रभु जी, ब्रह्मचारी प्रणाम करता हूँ। अभी हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी बता रहे थे देव के समय दिया तो आप क्यों आए, और अभी क्या 9 से भी ज्यादा, तो और आप लोग इतने सज्जन हैं, सभी लोग 5 बजे आ गए थे और मेरे से इतनी सर्दी में बहुत लोग बाहर बैठे हैं, बहुत लोग ऊपर भी बैठे, सही से व्यवस्था भी नहीं कर पाया, परंतु गुरुदेव आप लोगों ने इतने धैर्य पूर्वक इतनी सर्दी में इतनी कथा सुनी गुरुदेव की, मैं आप सभी का विशेष विशेष धन्यवाद करता हूँ। और इसके लिए आप लोग मेरे को विलम्ब के लिए क्षमा करना और हमारे हम विशेषकर हमारे श्रीधर महाराज जी का जो भागवत कथा से अभी भागवत कथा महाराज जी खत्म हुई तुरंत एकदम से यहाँ पर आए और सब कुछ संभाला महाराज जी का भी, और हमारे पूज्यपाद स्वस्थ थे, आना भी नहीं था, पर मैंने भी कहा था कि थोड़ा सा गुरु जी से प्रार्थना की अगर स्वस्थ हो तो आए, पर प्रभु जी इतने कष्ट में आए, प्रभु जी का विशेष धन्यवाद करते। और हमारे पूज्यपाद संजय प्रभु जी आए, इतनी सुंदर सुंदर कथा सुनाई गुरुदेव की, विरह की और मिलन की, और इतनी गुरुदेव का वैशिष्ट चरित्र, इनका भी धन्यवाद करते हैं और विशेष का धन्यवाद करते हैं। इसे गुरुदेव की विरह किया, इतनी सुंदर कथा का जो आयोजन किया है, हमारे ये जो देखो आपकी पंडाल बजा बनाया ना, मैं पूरी
मैं देख रहा था 12-1 बजे तक पूरी रात सोए नहीं, पूरी रात से सजा रहे, बहुत सारी माताएं हैं गुरु जी के लिए, सुबह 4 बजे से ही मठ में ऐसे चहल पहल हो रही थी कि रात भर सोए नहीं, प्रसाद बना रहे थे, सबके लिए सेवा कर रहे थे। मैं गुरु जी के चरणों में, यदि भी ऐसी चीज है, ऐसे भक्तों के लिए कोई थोड़ी भी सेवा करेगा उनको अपने आप ही गुरुदेव कृपा करते हैं, उनकी उनकी स्वरूप में ही शक्ति है, सेवाएं करेंगे अपने आप कृपा मिलती है। तो उनका भी बहुत सारी माताएं हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर जो हमारी एक इंदिरा माता जी ने और अनिरुद्ध प्रभु और ऐश्वर्या दीदी, कुछ भक्त लोगों ने मिलके यहाँ पर बहुत सारे भक्त जिनका नाम भी नहीं ले सकता, जी विशेष सेवा की है इंदिरा माता ने, आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की है। तो ऐसे जो भक्त लोग हैं इन सबको गुरु जी निश्चित ही कृपा करेंगे और मैं भी उनके चरणों में ऋणी हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम में थोड़ा सा भी सहयोग दिया और मेरे हमारे गुरुपाद पद की सेवा में थोड़ा भी मैं जीवन भर उनका ऋणी रहूँगा। अब समय ज़्यादा हो गया है और मैं बोलने को मेरे पे कुछ नहीं है, बस यही है कि मेरी एक प्रार्थना है। कुछ भक्त लोग गुड़गांव से आए हैं, कुछ भक्त लोग फरीदाबाद से आए हैं, कुछ भक्त लोग ग्रेटर नोएडा से, मेरी प्रार्थना है जो लोग दूर से भक्त से लोग आए हैं वो लोगों का प्रसाद, और एक और प्रार्थना है अभी आरती होगी गुरुदेव की, सब थोड़ा थोड़ा पुष्पांजलि दे के जाएंगे तो बहुत ही सुंदर होगा, नहीं तो जो विलम्ब हो रहा है सकते हैं, हमने प्रसाद और हम प्रसाद बाहर भी शुरू कर रहे हैं, यहाँ बैठा के प्रसाद करेंगे। जो जगह का अभाव रहा, अब मेरी जो छोटी कहीं सेवा नहीं कर पाया, इतने लोगों को बुलाया ठीक से देख नहीं पाया, और बहुत सारे भक्त गुरुदेव के शिष्य है, अच्छी ज्यादा कथा बोल सकते, दिल्ली से नवीन प्रभु जी आए, पीछे अतुल अग्रवाल जी बैठे, बहुत सारे भक्त लोग जिनको हम अवसर नहीं दे पाए, प्रभु जी राजेश प्रभु जी मैंने बोला था थोड़ा सा देंगे परंतु समय नहीं मिलवाया, मेरी इनके चरणों में थोड़ा सी क्षमा प्रार्थी हूँ। परंतु जब से गुरुदेव अप्रकट लीला प्रकाशित विरह तिथि से लेकर और आविर्भाव तिथि तक 5 संडे हमें मिलते हैं, हम उनकी चरित्र का गुणगान करते हैं और गुरु जी का प्रिय ग्रंथ श्री ब्रज भागवत अमृत, ब्रज वासियों की महिमा, विशेषकर राधा जी की महिमा। कल से हम गुरु जी की तिथि के उपलक्ष्य में ही कल से ही हमारे पूज्यपाद विजय कृष्ण प्रभु जी, और ये कथा ब्रज भागवतम की सुंदर सुंदर कथा है जो गुरु वहाँ भी जाते थे कथा करते थे, हम लोग ब्रज भागवत कथा कल से सुनेंगे 5 बजे से 8 बजे तक, आप लोग उसमें भी आइए और उसमें की व्यवस्था है, और गुरु जी के विचारों को एक दिन में जान नहीं सकते, इसलिए महाराज लोगों ने प्रभु लोगों ने 25-30 साल सेवा की है जब जाके गुरुदेव को समझ पाए है, हम लोग उनको समझेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके मुख से सुनेंगे। हम लोग जीत प्रभु के लिए भी जोरदार ताली बजाएं। इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ प्रभु जी का है, जैसे ये मंदिर बना है, मैंने जब बड़ो तुम्हें मंदिर बनाया, अभी मैं जिसको रखता हूँ भैया ठीक से रह नहीं रहे, रोज मेरे पास में फोन आता है ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ गुरुदेव ये करो, मैं तो कभी कभी टेंशन में पड़ जाता था, लेकिन ये जो मंदिर में होने पर श्री जीत प्रभु हर तरह से तन मन और धन हर तरह से सबको साथ में मिठी व्यवहार करते हुए, किसी घर में 2-4 व्यक्ति आ जाए ना पागल भर जाते हैं, लेकिन इतने सारे भक्तों को रोज रोज इतना बड़े बड़े उत्सव, प्रभुपाद का भी उत्सव होती, इसलिए ये लोग बड़ी इनकी तबीयत इतना सही नहीं, तब भी इसके अंदर में भी इतना कष्ट सहने हुए करते करते हैं, मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं, मेरे को पता है ये सब चीज वो ये संभाल लेगी, इसलिए इसके लिए ना मैं बहुत रेडी हूँ, बच्चे को है गुरु जी की सेवा करते रहे, संतों की सेवा, भक्तों हमारे गुरु महाराज जी ने हमारे जीत प्रभु जी को ये आदेश भी दिया था, कृपा आदेश, कि तुम नोएडा में रहकर के प्रचार करना। जब गुरु महाराज जी नोएडा में आकर के बड़े बड़े पंडाल प्रोग्राम होते थे और गुरु महाराज होता था तो गुरु जी ने इनको आदेश दिया था, ये ब्रज में भी कभी गुरु जी ने इनको आदेश दिया था और कृपा आशीर्वाद भी दिया कि तुम नोएडा में रह करके प्रचार करना। तो ये आज गुरु जी के
आदेश को शिरोधार्य करके उसका ये सुफल हम लोगों को दिखलाई दे रहा है कि इतना सुंदर स्थान है, इतना सुंदर आयोजन है, और इस सुंदर आयोजन में उनका जिस प्रकार का परिश्रम है, हमारी तो योग्यता नहीं, किंतु गुरु महाराज जी के चरणों में हृदय से ही इनके लिए एक प्रार्थना अवश्य कृपा करेंगे। इतने सुंदर रूप में इतने सारे भक्तों के लिए इन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया, हम लोगों को कहकर सेवा करने का अवसर दिया, आप लोगों को सुनकर सेवा करने का अवसर दिया, इसलिए इनके भी हम विशेष रूप से आभारी हैं और ऋणी हैं। और देखो यहाँ पर हमारे श्री पुजारी प्रभु जी हैं, पता नहीं ठाकुर जी का कैसे कृपा है, मंत्री होते ही सोच रहे थे भाई पुजारी क्या करेगा, हमारे पुजारी प्रभु को भी यहाँ पर व्यवस्था कर दिया। पद्मलोचन प्रभु दास और हमारे दीनबंधु दास और हमारे अनुपम प्रभु, श्रीदाम प्रभु, श्रीकांत प्रभु कल से सबके सब सेवा में लगे। ठाकुर सबको पर भी कृपा करे, नोएडा के भक्त वृंद, संजय प्रभु जी और हमारे कौन कौन है, श्री मनमोहन प्रभु जी, भीम प्रभु जी, यहाँ के जो भक्त लोग हैं ठाकुर सबको पर आशीर्वाद करे। संजय प्रभु जी, मक्खन चोर मक्खन प्रभु, अभी ठाकुर जी आरती करते हैं, ठीक है, गुरुदेव को आरती कर देते हैं, प्रभु तो हमारे घर गुरुदेव का आरती कर दो, गुरुदेव का आरती कर दो, श्रीकांत करेगा।